साहब आप मन के बहुत अच्छा हैं। ऐसा क्यों बोलते हो? लोग मछलियन के मार के अपन पेट भरा थे, लेकिन आप मछलियन के पेट भरे के लिए दाना डाल रहे हैं। आप बहुत पुण्य का काम करते हैं, यही लिए हम बोला है। मैं मछली को दाने भी डालता हूँ और आदमी को ठिकाने भी लगाता हूँ। पुजारी जी हैं? वो भीतर ध्यान में मग्न है। जानते हो भैया ठाकुर साहब यहाँ क्यों आए हैं? क्यों? अपने पुजारी जी का दूर दूर तक नाम है, इसीलिए ठाकुर साहब आए हैं। सुना है कि आप मनुष्य का मुंह देखकर भविष्य बता देते हैं। इसका नाम है भीरू। ये अभी जीवित है या नहीं? ये मानव अभी भी जीवित है। अभी भी जीवित है? तुम्हें माता चेता, तुम्हें बंधु चेता, तुम्हें तुम्हें सर्वम हम दे देगा। इसी देश की दक्षिण दिशा में एक पवित्र स्थान पर, यही ज्योतिष कहती है। हिंदुस्तान के अंदर ही है, वो भी दक्षिण दिशा में। ऐसा कौन सा पवित्र स्थान है? क्यों बेटा वीरू, जैसे तू यहाँ पर आया है मैं देख रही हूँ। दिवाली और दशहरे का त्योहार जितनी धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही तू अपनी बहन का जन्मदिन मनाता है। अपना जन्मदिन ऐसे क्यों नहीं मनाता है बेटा? जय राम जी की। यहाँ उज्जर कपड़ा में तू बहुत अच्छा लगा था। क्या बात है, दत्ते जी की चमकार के लिए इतने नमस्कार। नमस्ते बंसी भैया। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्कार। जा रहा है। जय राम जी। लगता है कपड़े बहुत ब्राइट है। ये लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं तो वीरू कितनी इज्जत देगा? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। क्यों छुटकी, बहुत जल्दी सुबह हो गई। अभी तो 8 ही बजे, कॉलेज के बस आने का वक्त हो गया, जल्दी तैयार हो जाओ। भैया क्या है? कहो तो मैं मदद कर दूं। बकवास मत करो, पढ़ाई करने के दिन है, पकवान बनाने के नहीं। पढ़ लिख के कलेक्टर बनना है, बावर्ची नहीं। अरे भैया अभी तो अपने कॉलेज का सिर्फ फाइनल ईयर कर रही हूँ, इसके बाद कितनी ट्रेनिंग कोर्सेज करने पड़ेंगे, फिर आईएएस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, एग्जाम लिखने पड़ेंगे, पास हुई तो मैं कलेक्टर बनूंगी। वो तुम्हारी सोच है, लेकिन अभी से तुम मेरे लिए कलेक्टर हो। छुटकी भैया बस आ गई। अभी आई? जल्दी आ जाओ, मैं बस रोक के रखता हूँ। अरे देख कर चलो भैया। अरे देख कर ही तो जा रहा हूँ। सब 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 अरे भैया एक मिनट रुक जाओ, मेरी छुट्टी आ रही है। पहले से बस 10 मिनट लेट चल रही है और ज्यादा मैं वेट नहीं कर सकता। रुको ना भैया, एक मिनट। अरे सीटी तो वापस है। चुप करो भैया, आजा छुट्टी, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी 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 हटो भैया, हटो, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। छुटकी टिफिन बॉक्स ले ली ना? भूल गई भैया। बस एक मिनट, लेकर आता हूँ। अरे सीटी तो वापस लेके जा। सीटी दे दिया तो तुम बस लेके चले जाओगे? इतना स्मार्ट हो कि वीरू देखते ही मुझे गले लगा लेगा। वीरू ये लो टिफिन बॉक्स। ओफो पानी की बोतल भूल गया। वीरू मेरी मेरी बात। ये लो छाता ले ली ना? नहीं भैया अभी लाता हूँ। भैया बिन बादल बारिश नहीं होती, अगर हो भी गई तो तुम्हारी बैंक बिल्कुल नहीं देखेगी, मेरी गारंटी सीटी वापस कर दे। बड़ी सीटी ये लो। देखो ये बहन के नाम पे दादागिरी करना छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे। बिल्कुल सही। बहन को भेजने के चक्कर में मुझे घन चक्कर बना दिया। छुटकी संभल के जाना, संभल के जाना। अरे बंसी तुम कब आए? तुम कब आए? हाँ तुमने मुझे देखा नहीं।
तुम मुझे पैर से रोन करके मुझे बुरा नहीं लगा, तुम कब आए पूछा तो मेरा दिल चूरन हो गया। माफ कर दे बंसी, छुटकी को बस चढ़ाने के जुनून में क्या हुआ कुछ याद नहीं। अच्छा तुम्हें हुआ क्या? तुम मुझे पैर से रोन के गए, यही हुआ था। अच्छा इसीलिए यहाँ हुआ? जमीन और इंसान में फर्क मालूम नहीं पड़ा, मेरे ऊपर पैर रख के कैसे इंसान हो? पैर रख के क्या पूछा तुमने? बार बार बहन को संभल के जाना बोला था, खुद ही संभल के चल नहीं पाया। भैया आगे रुको, वो चौथी गली में कोई बहन किसी अपने भाई को भैया बुला रही है, तुम्हारी बहन नहीं। तुम अपनी हड़बड़ाहट को दफन करो और सेंटिमेंट को कम करो, तभी तुम्हारे अच्छा। ठीक है धंधे का टाइम हो गया, जल्दी काम पे जाने की सोच। और सुन आज कम से कम 40 ट्यूबलाइट बेचनी होगी। तो मुझे भी बेच डालो। बंसी भैया आओ भाई, ये शर्ट कहाँ से खरीदी? क्यों भाई डिजाइन एकदम झक्का। क्या भैया? भैया ने किया ये हुलिया, बिजनेस को जाना कि नहीं? अरे बंसी चिल्ला क्यों रहा है? बात कर रहे थे। क्या बात करेगा, धंधे का टाइम हो गया, जल्द निकल जल्दी। गंदा है पर गंदा है। शर्ट तो बदल ले, कपड़े बदलने से थोड़ा बदल जाता हूँ। बंसी शर्ट बदलने के बाद फंडा साफ कर देना। कहा साफ करना, तेरे हाथ साफ हो जाएंगे। थोड़ा सुंदर रहने से बहुत चलते हो भाई। ए बंसी तू पूरब की तरफ जा, हम लोग पश्चिम की तरफ जाएंगे। आज हर एक को कम से कम 10 ट्यूबलाइट, 2 फैन और 1 आयरन बॉक्स बेचनी होगी, तब जाके अपनी कंपनी को फायदा होगा, समझा? हाँ भाई, बहुत बड़ी जहाज की कंपनी, कोई अपने आप लेगा तो ही बेच सकते हैं, गला दबा के थोड़ी बेच सकते हैं। क्यों नहीं होगा? एमडी जो कह रहे हैं उसकी बात क्यों नहीं मानते? चुप कर। 3 घटिया साइकिल, 49 चुप, 15 पंखे, 15 घड़िया, बस कुल मिला के यही है। इसका नाम है कंपनी, उसके लिए एक एमडी और 2 जनरल मैनेजर। मुझ जैसे इंसान को इस तरह मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मेरी परंपरा ही डिटर्जेंट परंपरा है। डिटर्जेंट? वो तो कपड़े धोने का साबुन होता है। दूसरे इंट के बारे में कह रहा था। डिटर्जेंट नहीं, डिसेंट। तुम समझ गया ना? छोड़ो, इस गांव में पहले पहले हेयर स्टाइल रखने वाला कौन है जानते हो? कौन? मेरे दादा। सबसे पहले इस गांव में पैंट पहनने वाला कौन है? अबे चुप कर बंदा, तुमको नहीं फुल पैंट पहनने वाला कौन है? बोल तो जरा। मेरे बाप। सबसे पहले बरमूडा पहनने वाला कौन है? तेरा मामा। नहीं मैं हूँ, मेरा टाइम खराब है, किस्मत जस्ट मिस होने की वजह से ये वजन गधे की तरह ढो रहा हूँ। बंसी मुझे गुस्सा आया ना तो मैं बोलता हूँ, तो बोलते है कि बोलता है। सवेरे सवेरे आ जाते हैं कष्ट देने के लिए। छे नमस्ते माता जी। नमस्ते बोलने के लिए घंटी बजाई? चलते हैं। अरे रुकना, बात यह है माता जी, हम लोग रेडियो ट्यूबलाइट फैन वगैरह इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, पेशगी में आज आप सिर्फ 10 रुपए दीजिए, किस्तों में हर रोज हम खुद आकर 10-10 रुपए ले लेंगे। अच्छी बात है, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। आपको क्या चाहिए बताएंगी तो? उसे छोड़िए, वो देखिए उसे कहते हैं ट्यूबलाइट। हाँ। और उसे कहते हैं टीवी, इसे कहते हैं इस्त्री। सब देख लिया ना, अब आप जा सकते हैं। माता जी ये बात आप बाहर ही बोल देती? आपको यकीन दिलाने के लिए, ताकि आप मुझे बार बार कष्ट न दें, इसलिए मैंने आपका हार्दिक स्वागत किया। दरवाजा बंद करके जाना। सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था, चल कहीं और चलते हैं। हम जैसे अक्कलमंदों का यहाँ ये हाल हुआ, तो जरा सोच बंसीलाल का क्या हुआ होगा। ये घड़ी चलती है? हाँ चलती है। चलेगी? बहुत अच्छी चलेगी। क्यों चली तो नहीं? तो फेंको। ओए माँ, ये क्या बोला है? ट्यूबलाइट जलेगी, बहुत मस्त जलेगी। क्यों चली तो नहीं? ये डब्बा क्या है? रेडियो गाएगा, स्विच दबाए तो गाएगा। मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा, इसे गाना कहते हैं। ये गाना है। अबे टिंगे की औलाद, बंसी की बंसी बजाता है? आ मेरे मोहल्ले में, मैं तेरी बंसी बजाता हूँ। ऑटो चलेगा? ऑटो क्यों नहीं चलेगा, कहाँ चल रहा है बोलिए? सिद्धार्थ नगर 2nd स्ट्रीट 8 नंबर घर। 100 रुपए लगेगा? सरासर नाइंसाफी है, पैदल ही चली जाती, लगेज के लिए ऑटो कर रही हूँ, 30 रुपए ले लो। तो ठीक है, आप लगेज ऑटो में रख दीजिए और आप पीछे पीछे आ जाइए, मैं 30 रुपए ले लूंगा। क्यों रे, भाव मार रहा है, बात ही मुंह न करना। अब साथ करो ऑटो, मैं पीछे आती हूँ, लेकिन एक शर्त है, उस एड्रेस पर अगर तू पहले पहुँच गया तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, अगर मैं पहुँच गई तो तुझे देना पड़ेगा, बोल मंजूर है? Oh,
ले लीजिए शर्त के 50 रुपए। किसी और का हक का पैसा मुझे नहीं चाहिए। ये लो 50 रुपए। आइंदा किसी से ऐसी बदतमीजी मत करना। हाय दादी। अंजलि, जा 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 जा। लेटर में तो तुमने लिखा था कि आओगी, लेकिन आज आओगी ये क्यों नहीं लिखा? ऐसे झटके देना ही अंजलि का स्टाइल है। इस तरह पसीने क्यों छूट रहे हैं? एक ऑटो वाले की वजह से। स्टेशन से यहाँ तक मैं दौड़ती हुई आई। तुम स्लो मोशन में चलती हो तो आइसक्रीम जैसी लगती हो, लेकिन आज तुम फास्ट मोशन में भाग कर आई हो, तो कई लड़कों ने ख्यालों में सुहाग रात मना ली होगी। पहले बैग तो पकड़ लीजिए, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। ये भी कोई वजन है क्या? ये अपन का स्टाइल है। कौन इस शहर को संवारने की हम कसम खाते हैं। हमारी पार्टी अगर जीत गई तो इस शहर भाई वीरू, तुम्हारे घर में जो फालतू 30 ट्यूबलाइट पड़ी थी उसे एक ट्यूबलाइट के 10 के हिसाब से 300 रुपए में साउंड सर्विस वाले को किराए पे दिया। इसके लिए चौनी का जना हाथ में थमा के रद्दे का करा दिया। इस तरह की जाति करने कहाँ का इंसाफ है? किससे पूछ के तूने बेचने वाले भाड़े पे दिया? किससे पूछना? क्या कहा? तुम्ही से पूछ। ये हुई ना बात, अगर ट्यूबलाइट टूट गई तो पगार में से काट लूंगा। पहले तरीके से भाई पैंट फट जाएगी। बन मन उसकी तरफ फैला के बैठा है, उसे तो ट्यूबलाइट पे हाथ रखा है। अरे हटा हटा, चुप हो जाना। ट्यूबलाइट पे हाथ ही तो रखा है के साथ। आपके अंदर एक नया उबाल आना चाहिए। अब क्या हुआ? उबाल आया? उबाल नहीं है, उल्टी आ रही है। आप देश के चिराग हैं, आप देश के गुलाब हैं, और साथ साथ हम यहाँ भाषण सुनने आए हैं, मुशायरा नहीं। अगर हम बारूद है तो दुश्मन राख है। वीरू, रात के 2 बजे घटिया पॉलिटिक्स सुना रहा है। देखना कोई ट्यूबलाइट लेके न खिसक जाए। वो छोड़ देंगे, तुम नहीं छोड़ेंगे। भोर अबे ट्यूबलाइट बोल रहा हूँ। हाँ ट्यूबलाइट ही। क्या कहा? हाँ सबके सब ट्यूबलाइट ही है ना। उस दुश्मन का नाम बताओ। उस दुश्मन का नाम है यादव। तो भाई सर के ऊपर पाव रख के जा रहे हैं हम लोग, क्या है क्या? और दिल का ख्वाब होता है हमारे इलाके में आकर हमारे खिलाफ बोलेगा, इतनी हिम्मत है तुझ में? क्यों भाई, काहिलों की तरह वहाँ क्या देख रहा है? अबे अपने वीरू को जोश आ गया, अब ये गुंडों को खामोश कर देंगे। ए, बातें क्या कर रहे हो? पहले ट्यूबलाइट निकालो, यहाँ से बच के भाग निकलते। भागने को कहते हो? अब अगर बोला तो तेरा इतिहास बिठा दूंगा। जल्दी करना, संभल के ट्यूबलाइट। वीरू, एक अकेले इंसान को इतने गुंडे मार रहे हैं, उसी साल में छोड़ के जाना सही होगा? मैं सिर्फ अपनी बहन की और अपने काम की फिक्र करता हूँ, इसके अलावा मुझे किसी की फिक्र नहीं। तुम समझ से बाहर। अरे छोड़ दो, अरे कोई है बचाओ मुझे। दादी क्या कर रही है? दादी मुझे कुछ कुछ होता है। मेरा हाथ लगने से तुम्हें कुछ कुछ होता है? अगर पति का हाथ लगा तो सब कुछ होगा। दादी आप हरी भरी बात कर रही हैं। आप एक लुल है और वो पोस्ट मास्टर एक लुल है। मॉडर्न ड्रेस पहन के गई तो अदरक खाए उस बंदर ने क्या कहा पता है? दिस नॉट अमेरिका, दिस इंडिया। यहाँ पतलून नहीं साड़ी चलती है। चलो इतना ही बोला ना, चंदन और टीका लगाने के लिए तो नहीं कहा? रुको मैं टिफिन लेके आती हूँ। दादी दादी पल्लू गिर गया। दादी पल्लू ही तो गिर गया ना, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? लेके कंधे पे डाल लो। पल्लू कैसे डालते हैं? भूल गई। ऐसे करके डालते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें कल एक साड़ी का पिन ले दूंगी। ये लो टिफिन ले जाओ। थैंक्स दादी। तनी मचीजिया देना। कहाँ ढूंढ रहे थे? कुछ नहीं, अठन्नी कहीं गिर गई है, पता नहीं कहाँ गिर गई, वही ढूंढ रहा हूँ। कहीं ये तो ना है? ये पहले दिखा सकते थे ना। हम सोचा तुम जाइया तो हम उठाई ले 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 बैठा ही नहीं। चलो फायदा तो हुआ। हमो का भाव? वो कैसे? अरे बसिया जो आए गए चली है। वो मेरी बस नहीं है। तो हम जाई थी,
अरे बबुआ बस होगा, बस ये बढ़ाओ। अरे जाना बस। हाँ वही है बस, बस। हाँ वही है। क्यों जी, मैं बस बस बोल रही हूँ, आप वही है क्यों बोल रहे हैं? हाँ वही तो है, बस को बस ही बोलते हैं ना। हेलो, मैं बस को रोकने के लिए बोल रही हूँ। रोकने के लिए कहाँ कहा आपने? बस बस कहा, वही है कहा मैंने? क्यों, मैंने कभी बस नहीं देखी। मुझे क्या पता, आदमी है या पजामा। एक खड़ी भी ना समय। वीरू समय। वीरू शक्ति वीरू। हेलो, मैंने पूछा समय क्या है? कोई भी चीज पूरी नहीं पूछ सकती हो। इसी तरह आप जैसी खूबसूरत लड़कियाँ पहले वक्त पूछती है, बाद में इधर उधर की बातें करते, सिलसिला आगे बढ़ता है और प्यार हो जाता है। देखिए मैडम, मैं प्यार करने की हालत में नहीं हूँ, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और बहुत सारे बोझ है। भैया सॉलिड बात कही है, पते की है। ठीक है उस्ताद, कहाँ जाना है? जनरल थिएटर जाना है। ये क्या भाई, दो रुपया दे रहे हो? तीन रुपया लगते हैं। अरे भैया मेरे पास उसे दो ही रुपया है। अरे काय को भेजा चाटा, इतना भी मालूम नहीं तुझे? कंडक्टर उस्ताद, दूसरों को तरीका सिखाने से बेहतर है कि खुद तरीके से रहना सीखो। बस कहाँ जाती है, कितना किराया लगता है, यह सब जानकारी बस पे चढ़ना चाहिए। हाँ। इन्हें चंद्रलोक टाकी से पहले वाले बस स्टॉप पे उतार दीजिए। भैया ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, ऐसे और दो चार चढ़ जाए तो हमारा सफर तो एकदम आसानी से कट जाए। ये ना मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये बताइए आपको कहाँ जाना है? ड्राइवर मुझे बोलना चाहिए। मिस हो गई क्या? अभी अभी इसको लंबा चौड़ा उपदेश दे रहा था, तो इससे भी बदतर निकला। चल नीचे उतर। एक्सक्यूज मी कंडक्टर, इनका भी मिला के दो पोस्ट ऑफिस। हंसी किस बात की? कुछ नहीं भैया, दूसरों को तरीका सिखाने से पहले खुद तरीके से रहना सीखो। तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। उस्ताद जरा अपनी बंद रखोगे? तुम्हारे पास एक रुपया कम था क्या? किसी ने तुम्हारी मदद की? मुझे देखो, ये खूबसूरत परी जैसी लड़की ने मेरी मदद की। पोस्ट ऑफिस आ गया, चलो जल्दी से उतरो जिसको उतरना है। छुटकी की ट्रेनिंग एप्लीकेशन है, हे भगवान इसे जल्दी से पहुंचवा दे। एड्रेस शायद ठीक लिखा था या देख लेते हैं। हेलो, आपने बुलाया? बस में मैंने आपके लिए टिकट तरस खा के लिया, इसकी वजह से मेरे पीछे आके बाद में इधर उधर की बातें करके सिलसिला आगे बढ़ा के फिर प्यार करना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा गलत इरादे से मैं नहीं आया, मुझे घर वापस जाने के लिए दो रुपयों की जरूरत है। अगर देंगे तो कल पूरे चार रुपए रिटर्न कर दूंगा। अरे तुम महालक्ष्मी? मेरा नाम अंजलि है सर। तुमको देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात महालक्ष्मी हो। तवे जैसा गंजे, तुम्हारी वजह से मैं साड़ी पहन रही हूँ। कुछ कहा क्या? हेलो। अब क्या हुआ? अभी तो मैंने दो रुपए दिए थे। दिए थे लेकिन फटी नोट है, दूंगा तो बस से उतार देंगे, दूसरी दे दें तो। किसी लड़की ने दो रुपए के टिकट उसको खरीद के दिया तो तुझे प्यार लगता है? तेरे को अक्कल है कि नहीं? तुम समझे नहीं, बस में इतनी सारी सवारियां थी लेकिन उस लड़की ने सिर्फ वीरू को ही दो रुपए क्यों दिए? वीरू भैया मैं पक्का बता सकता हूँ उस लड़की को तुमसे प्यार है। ए, उसका थोबड़ा तक मैंने नहीं देखा, उससे प्यार मैं कैसे करूंगा? थोबड़ा ही नहीं देखा और क्या? आहा, तो आंखें कैसे लड़ेंगी? तभी तो बोला लव है। वो यही है। कौन? इसे भी डाल दो। यही इसमें छटा मारने की क्या बात है? तुमसे कैसे प्यार करेगी? झालर वाली लाइट की तरह जगमग करने वाली, वो कहा, और सोते वक्त जीरो वाट बल्ब के जैसे तुम कहा। तुम दोनों के बीच में लव नहीं हो सकता, अभी छोड़ दो। क्यों झुक गए? देखो लड़कियों का मन इतनी जल्दी समझना मुश्किल है, कहाँ जाके आमने सामने बात करेंगे। चले थोड़ा क्या ब्राइट हो गया, चलो। चलो चलते हैं। तो काट के रख दूंगा। मैं कहाँ आने वाला हूँ, तुम ही लोग जाके नहीं पट लो। ये प्यार नहीं तो और क्या? कितना हुआ? 8 रुपया। ये लीजिए। फुटकर तो नहीं है बहन जी? कोई बात नहीं, रख लीजिए। क्यों भाई, लगता है ये सबको बांटती है। चलो चलते हैं। तेरा खून पी जाऊंगा। शोले का धर्मेंद्र बन गए। मैडम मैडम मैडम, इस बच्चे को आप पहचानती हैं? मैंने ये कभी नहीं देखा। ओ, ये कौन है? कौन है पूछ रही है, गिरी हुई मीनार की तरह खड़े हो, कुछ तो बोलो। एक बस दो रुपए। एक बस दो रुपए की?
एक बस दो रुपए। मैं बस पे नहीं चढ़ती। बात करो ना। नहीं वो क्या है कि आप शायद भूल गई, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। आइसक्रीम के ऊपर रखे अंगूर की तरह ये आपके खूबसूरत आंखें, छुरी की नोक की तरह ये पतली लंबी आपकी नाक, दो संतरे की फांकों जैसे आपके रस भरे हों, और फिर पैर में पायल भी पहनी हुई थी। अरे पैर तो ये पाकीज़ा का राजकुमार बन गया। जमीन पर मत रखिएगा। मैं क्या कर रहा था कि हाँ याद आ गया, आप उस दिन साड़ी पहनी हुई थी लेकिन आज जींस में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अभी मुझे समझ में आया, आपने शायद मेरी बड़ी बहन अंजलि को देखा। बड़ी बहन? तो फिर आप मंजरी? मंजरी अंजलि की छोटी बहन। मंज तो मैं चलू, बाय बाय। देखा सीता और गीता डबल रोल, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती खराब हो गई। खैर कोई बात नहीं, कल ही हम दोनों पोस्ट ऑफिस जाएंगे, उसकी दीदी से मिलेंगे, आई लव यू बोलेंगे। हाँ बोलोगे? ओके जाओ। बाप रे साड़ी तुम्हारी जींस हमारी। अब तुम क्या करोगे कि 5 रुपए ले जाओ। अरे रुको, जाकर 4 रुपया वापस दे के बाकी 1 रुपया लेने की तरफ बात करके उसके दिल को टच करो, हो सके तो हाथ को भी टच करना। तो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। अब वो बहुत जरूरी है, जाओ ना। हेलो, क्या चाहिए? सेटिंग करने आया हूँ। क्या कहा? सेट करने आया हूँ, मतलब हिसाब सेट करने आया हूँ। उधार जो लिया था 4 रुपीज। हेलो, क्या कर रहे हैं आप? पैसे आपकी तरफ धकेल रहा था। छुट्टी नहीं है, आप स्टैंप ले लेंगे? कोई बात नहीं, दीजिए। सुनिए, आपकी बहन से मिला। बहन को बीच में क्यों ला रहा है? क्या कहा? छोटी बहन? हाँ, आपकी बहन से मिला। हेलो, आए क्या स्टैंप लिया यहाँ से निकलने का? तेरी दालियाँ निकलने वाली, चल निकल। खेल बिगाड़ दिया रे। एक लिफाफा देना। देख लिया ना? देखा, ये भी देखा, उसके पहले तुमने जो बपक किया ना वो भी देखा। क्या? उसकी बहन का मैटर क्यों लाया? वो मेरा मैटर है, तुम अपना मैटर देखो ना। तो मैं क्या करूँ? क्या करना, चलो स्टैंप लेकर खुद का धप्पा मार के आ जाओ। धप्पा तो अंदर पोस्टमैन लगाता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मुहावरा बोला था, जाके अपना मैटर बोल के आ जाओ। ओके जाओ ना। अब तो आंखें लड़ेंगी। सुनिए, ये लीजिए। मैं आपको अच्छी तरह याद हूँ ना? अब जाके पॉइंट पे आया। कल मेरे पास बस में जब पैसे नहीं थे तो आपने मेरे लिए टिकट खरीदा था ना? तो उसका मतलब उसका वन मिनट। क्या हुआ, क्यों बुलाया? बुलाया? कमान कमान बोल के बुलाया ना? कमान कमान बुलाने के लिए तुम क्या घोड़े हो? वैसे कंटिन्यू करने के लिए बोला था। गड़बड़ हो गई, तो अब क्या करें? घर चलेंगे। लव लव बड़ा लव। ये लो 1 रुपए का स्टैंप लेके फिर से शुरू करो। 1 रुपए का स्टैंप लेने तक कितनी बातें कर सकता हूँ? बात करना नहीं आता? सुनिए, इस स्टैंप में जो टोपी पहना है ये कौन है? ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंडिया सन 1947 में आजाद हुआ था ना, उस आजादी की जंग में कईयों ने भाग लिया था, उनमें से ये एक है। ओके, ठीक इसी तरह इंग्लैंड में उस दिन देखा, ये कौन है पूछा, इंडिया से शुरू करके इंग्लैंड तक पहुंच गए। इस तरह तुम बात नहीं कर सकते? जाओ जाके कंटिन्यू करो। इसी तरह इंग्लैंड में कंटिन्यू करने के लिए उससे बोला, तुम क्यों स्टॉप हो गए? तूने स्टॉप बोला ना? स्टॉप इनसे कह रहा था। तुम कंटिन्यू, मतलब मैं स्टॉप हो जाऊं? वो भी कंटिन्यू, तुम भी कंटिन्यू। कंटिन्यू इंग्लैंड में जो एलिजाबेथ महारानी है ना, शी इज नॉट ओनली ए क्वीन बट वहाँ क्या खाई थी, तुम कंटिन्यू। शी इज महारानी। 300 के स्टैंप ले लिए और 3 वर्ड का आई लव यू तुम नहीं बोल सके? हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, आखिरी बार 1 रुपया देते ना मैं जाके। नो, सही सही कंटिन्यू नहीं करोगे तो कंटिन्यू करूं? इंग्लैंड में जो महारानी है उसी के बारे में बोलते बोलते सो गए थे, फिर से शुरू हो गए। सो जा। अब इतने सारे स्टैंप्स का क्या करेंगे? नहीं, आइडिया देने के लिए मुझे पेट में पेट्रोल डाला होगा। ये बाकी बचे स्टैंप्स ले जाके एक हाफ बॉटल लेके आ रहा। सोचो मैं तुम्हारे लोग के लिए मैं अपना ही भेजा फ्राई कर रहा हूं, तुम्हारा भेजा तो फ्रेश है ना, जो कहता हो करो, जाओ।
ये देखते देखते धर्मेंद्र से जैकी चैन बन रहा है, कहीं मैं ओवर तो नहीं कर रहा हूं? करेंगे, देख लेंगे। सिगरेट मुझे ले ले, हम सही समय पर आवा ना। थैंक यू। तो 50 रुपया दे। 50 रुपए किसके लिए? सुलगाने के लिए? क्या बच्चों की तरह बात कर रहे हैं कमीना? किसके साथ खेल खेल रहा है? 5 पैसा दे दूंगा भाग। तो हमारा आग दे, आग वापस कर दूं? ये ले अपनी आग। ये है अंगारा, हम दिया रहा आग। हम मचिसिया का रगड़ के तुमका दिया रहा आग। फायर फायर। हाँ तो हमारा आग हमका वापस कराओ। तू कुछ ज्यादा पी के और हो गया है, तू सीधा घर जा। कौन? हम और हैं। ओ वाकई और हो? वापस दे दो, नहीं तो तू भी और हो जाएगा। इतनी सारे स्टैंप का मैं आता रहूंगा। देना भाई दे, वहाँ एक आदमी बैठ के मुझे टॉर्चर कर रहा है। एक बवाल ले गया। ठीक है साहब। एक पौधे। ये कौन साहब है? ये शहर में आए हुए नए डीएसपी हैं, ईश्वर पांडे साहब। एक हाफ मीट पीकर मैं बाहर आ गया, सिर्फ पानी पीने वाला ये क्यों नहीं आया? डाकखाना आ गया, जिसको उतरना उतरो। अरे मंजरी आ रही है, बहन से मिलने आ रही होगी। ये लो, रख लो रख लो। ये क्या है? क्लिप हेयर पिन वगैरह ले लेना। ओह, इसका आगाज। जब से तुम्हारी दीदी को देखा हो, मेरे मन में टिंग टोंग की आवाज आने लगी है। आवाज आई तो दरवाजा खोल के देखना चाहिए था ना? हाँ देखा, वो मेरे मन में ही बसी हुई है। वो मैं समझ गई, आपको ये सब बातें उन्हीं से कहनी थी। वो क्या है कि मैं आपसे खुल के बात कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बहन से बात करते हुए हकलाने लगता हूँ। ऐसा क्यों? लव की बातें हर किसी से कह सकता हूँ, लेकिन जिससे लव करता हूँ उसे डायरेक्टली बोलने में प्रॉब्लम है। मेरी तरफ से तुम हेलो रिश्वत दे रहे हो? ये लो, और कोई काम नहीं? ये मेरी वाली है। हाय हाय मंजू। हाय 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 हाय। क्या है? रात भर तुम्हारे सोच में नींद। क्यों बाथरूम गई? बाथरूम गई तो जाने दो। बाहर निकलते ही आई लव यू बोल देना चाहिए। क्या छोटी बहन अंदर गई, बड़ी बहन बाहर आ गई? स्टॉप। क्या है? अभी तुम्हारी छोटी बहन अंदर गई ना? लेकिन बड़ी बहन बाहर आ गई ना? अंदर छोटी बहन ही गई ना? लेकिन बाहर जो आई वो बड़ी बहन है। सॉरी मैडम, कंफ्यूजन में आंखें फ्यूज हो गई है। यू को ओके। ऐसे कैसे कंफ्यूजन? गई छोटी बहन, आई बड़ी बहन, तो छोटी बहन ये क्या लग रहा है? ऐसे कैसे दोनों बहन बाथरूम में? कहीं फाइल फिल्म का असर तो नहीं? तुझे वहाँ खड़े रहने के लिए बोला तो यहाँ आके संडास क्यों देख रहा है? वीरू, संडास के अंदर ही कंफ्यूजन। छोटी बहन अंदर गई, लगी होगी, गई होगी, आई नहीं ना। तू कैसे जानता है? वही तो मैं देख रहा था। ये सब कोई देखता है क्या? अपना लाके वो मैंने देख रहा था। गई हुई छोटी बहन गायब, बड़ी बहन बाहर आ गई। तो क्या हुआ? ये क्या सवाल है? जब छोटी बहन अंदर गई तो बड़ी बहन कैसे बाहर आई? दरवाजा खोल के आई होगी। खोले बिना नहीं आ पाएगी। जानता है ना हम किसको देखने? बड़ी बहन को। तो अंजलि कहाँ है? बाहर आके अंदर गई, फिर से संडास में चली गई। ओफो, इसमें से बाहर आके ऑफिस के अंदर गई। इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? तुम्हें क्लियर हो गया? मुझे तो कंफ्यूजन ही नहीं है। बहन बंदी। अंदर गई छोटी बहन, क्या कर रही होगी? यहाँ से अंजलि के बारे में बात करूँ? ठीक है ठीक है ठीक है, आज स्टैंप लेने के बाद सीधे सीधे दिल की बात बोल देना, जैसे सर पे नारियल फोड़ते हैं। जाओ सोचो मत, जाओ जाओ जाओ। इसका लव शुरू होने तक मेरे लव करने की उम्र खत्म हो जाएगी। बंसी माफ करना, माफ करना, जबान फिसल गई। काउंटर बदल गया है। देखो काउंटर बदलने से तेरा इस तरह एनकाउंटर क्यों हो गया? प्यार करने जा रहे हो, जंग लड़ने थोड़ी जा रहे हो, जाओ ना। नहीं बंसी, उसका काउंटर बदल गया है। कैसा काउंटर? ओ, मनी ऑर्डर वाली काउंटर पे बैठ गई। ऐसे बोलना था ना, तब तो मनी ऑर्डर भेजना ही होगा। अच्छा कितने रखे हो? 1 रुपया 12 आना, यानी 2.25 रुपये।
कहाँ क्यों? बरेली। यहाँ क्या उखाने हैं? ऑर्डर करना है। आंख किसलिए मारी? टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ऐसा इशारा किया कि सब जानता है। चुप रहो मेरा बाप। बुढ़ाओ मनी ऑर्डर है, हम करवा दें? हम करवा के दें। हेलो, मनी ऑर्डर भेजना है। तुम्हारे दोस्त ने इससे पहले कभी मनी ऑर्डर किया है क्या? मनी ऑर्डर क्या? मनी ऑर्डर वाली लड़की को भी साथ लेके आएगा? भैया कान छेद छेद करके कमाई का पैसा है ये। अगर मेरे कान छेदने की कोशिश की उजेड़ दूंगा। कान में नहीं तो तुम भी छेदने का काम करते हो? हाँ सुनार हूँ। तब तो मंगलसूत्र का ऑर्डर बुक, एक नहीं दो। दो मंगलसूत्र? हम दोनों दोनों बहनों के साथ शादी कर रहे हैं ना। अब तो ठीक है, अंदर घुसेड़ो ना, तब से निकाल के बैठे हो। अगर गलत नहीं समझेंगे तो मुझे आपसे अकेले में दो मिनट बात करनी है। बोलिए क्या बोलना है? अगर मंजरी से बात करनी है तो छूकर भी बात कर सकता हूँ। आपसे बात करते हुए पसीने छूटने लगते हैं। आपका चेहरा देखे बगैर जो मन में है वो बोल दूंगा। वो क्या है कि मैं नहीं जानता हूँ, जब मैंने पहली बार आपको बस स्टैंड पर देखा तो आप मुझे बहुत पसंद आ गए। हर किसी के अलग अलग आजू हैं, किसी को शोहरत पसंद है तो किसी को दौलत पसंद है और किसी को इज्जत पसंद है, और मुझे सिर्फ आप ही। इसे आप चाहत कहें या कशिश कहें या जुनून कहें, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह न। अरे ये सब बातें मैं तुमसे बोल रहा था, तो फिर अंजलि कहाँ है? कोई बात नहीं, मुझसे बात करना उनसे बात करने जैसा है। तुमसे बात करना अंजलि से बात करने जैसा कैसे हो सकता है? तो अब आई लव यू तुमसे कैसे बोल सकता हूँ? वो तो उनसे मैं बोल सर। सजना सजना
में डूबा मौसम है, हे हे उलझने उलझने कैसे सुलझे ये उलझने जान क्या रोग लारा तो के दिल है जागा आशना दिल है और जाना अब दिल नहीं बस मेरी सजना सजना देखो चंदा तुम ही तुम याद आए हमदा जिस्म तेरा बहती गंगा हुस्न तेरा जैसे शबनम पिया मिला रे वा 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 जिया गया रे ये मेरा दोनों लापता भाग तो नहीं गए हैं बुढ़ाओ मैं जाके चाय लेकर आऊं चुप हाथ तेरा दोस्त बुढ़ाओ आएगा तो आएगा नहीं तो जाएगा जाने दो 500 ही तो है क्या बोला सिर्फ जाएगा तो 500 रुपया तो? ये क्या है तू ये भी नहीं जानता खोपड़ी भेजा कहाँ है थोड़ा बैक यहाँ पे करेक्ट हाँ मगर तू ये सब क्यों पूछ रहा है मैंने पहले ही कहा था घुसेड़ दूंगा आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं आंखों में बहुत खुश हम उसके लिए ओके हो गए ना तुम ओके हो गए हो मगर हम ठोके गए हैं वो कैसे अपने लव के लिए मुझको उस खुशक के पास गिरवी रख के गए मेरा क्या हाल हुआ होगा तुमने कभी सोचा उस पल को याद कर रहे हो कब तुम दोनों उस दिन बिना बताए पिछवाड़े से भाग निकले 6 इंच घुसेर को उसने दिखाई अपनी सोनारी आई एम सॉरी शायरी क्या तुम बंदी कर रहे हो हर घड़ी बदल रही है क्या है बेस्ट ऑफ लक थैंक यू छुटके थोड़ी सी चाय पिला टॉप ये क्या कर रही हो दिखने में टॉप क्लास लगती हो और हरकत लो क्लास की शर्म नहीं आती ये लो पकड़ो मैंने क्या किया तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है जो इस तरह के कपड़े पहने होगा खैर छोड़ो तुम्हारी दीदी जिसे प्यार करती है उसके घर में कैसे आ सकती हो अपने आशिक के घर जाने का हक महबूबा को नहीं है हक है अपने आशिक के घर जाओ यहाँ क्या करने आई हो मैं वीरू से मोहब्बत करती हूँ करो क्या वीरू से मोहब्बत करती हो अच्छा तुम्हारी दीदी ये बात जानती है जानती है उसे भी ये रिश्ता मंजूर है हाँ बड़ा बेशरम खानदान लगता है अब मैं क्या करूँ छुटकी छुटकी इधर आ ये बात जानती हो कौन सी ये तुम्हारे भैया से प्यार वो करती है मैं जानती हूँ जानती है तुम्हारे भैया इसकी दीदी से लो करते हैं वो हाँ वो भी जानती हूँ हर बातें हाँ हाँ कर रही है कहाँ है वो वीरू क्यों चीख रहा है चीखने का काम करोगे तो चीखूंगा नहीं एक आदमी तो पेन से रख सकता है जो पेन रख सकता है जो साइकिल रख सकता है जो महबूबा नहीं रख सकता है ये भी भला कोई अल्सर हुआ अल्सर नहीं समझे कलाचार अरे उसे कल्चर कहते हैं हाँ वही है वो रहना है वो है तो ही आदमी है प्रसीट 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 मतलब वो तू नहीं समझेगा आओ महान बड़ी बहन तुम भी यही टहल रही हो तुम्हारी छोटी बहन इतने भागी सुना है वीरू तुम्हारी छोटी बहन से प्यार करता है तुम भी राजी हो गई क्या करूं छोटी बहन है जिद कर रही थी करती है तो बाप का लाके दो बेलून लाके दो लो थोड़ी बांटा जाता है मैं कहाँ बांट रही हूँ मैं भी तो लव कर रही हूँ वीरू ठीक से सुनो मेरी एक इज्जत है जो इज्जत नहीं रखते उनके साथ मैं काम करना नहीं चाहता आज ही मैं पाप धोने जा रहा हूँ बुलाया नहीं बड़ी बहन छोटी बहन दोनों को पटा दिया वो कंपनी की साइकिल है मैं छूंगा तक नहीं मेरा भी एक जमीन है जब किस्मत हो खराब तो सयाद क्या करे जब सर पे गिरे पहाड़ तो फरियाद क्या करे मुझे दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगी क्या बोलने वाला अंजलि जरा इसे रजिस्टर पोस्ट कर दो ये क्या है भैया वो कुछ नहीं छुटकी मैं अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ औरों के लिए एक जिम बनाकर सिखाऊंगा तो ऊपरी कमाई हो जाएगी ऐसी अंजलि ने सलाह दी उसी के लिए लोन एप्लीकेशन ऐसी सलाह मैंने कितनी बार दी होंगी कभी सुनी इसी को तो जोरू का गुलाम कह रही है क्या हुआ मेरी चप्पल है क्यों बंसी आज दिन में यही खाएगा क्या जा भैया अरे वो फिर लौट के आएगा नमस्ते
और सोचा था मगर ये तो कुछ और ही निकला। ओम नमः ओम ऋषि नमः ओम सरोवरे नमः ओम ब्रह्मदये नमः। यजमान आप जीवित रहते हुए हर वर्ष अपना फोटो रखकर श्राद्ध का आयोजन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार यह उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? मेरा हाथ उचित है, मेरे पांव उचित है। जब मैं अपंग बनाया गया था ना, तभी मेरी मृत्यु हो गई थी। इसी स्थान पर अपनी फोटो के बदले उस वीर की फोटो रख के जब पिंडदान करूंगा ना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। या तो मौत को रुकेगा, ये तेरा साला है, भाई है, या ये तेरा कर्ज खाकर बैठा है। डरने की कोई बात नहीं, हमारे ही थाने में आई थी, कोई जिम को चलाने वाला है ऐसा बोल रही थी। जानते हैं वही शख्स गवाही देगा, लेकिन मैं जानता हूं सेवायत का के मतलब ही नहीं, क्योंकि कानून हमारी मुट्ठी में है। गवाही देने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई कुत्ता नहीं आएगा। एक शख्स बेशक आएगा। इसमें इतनी हिम्मत होगी? किस माँ ने अपने पिल्ले को इतना दूध पिलाया कि शेर से मुकाबला करें? होगी, जरूर होगी। बारूद को एक छोटी सी चिंगारी तबाह कर दी है, उसके फौलादी बाजुओं की ताकत का एहसास हमें है। समझ गया समझ गया, डाउट है आपको? आने दो उसे शेर की मान में। खून होते हुए तूने देखा था? भैया कोई भी गवाही देने के लिए नहीं आ रहा है, कम से कम आप तो सच्चाई बताइए भैया, बोलिए भैया। आपकी आंखों के सामने मेरे पति को मारा था भैया, आपको गवाही देनी होगी, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए भैया। ये क्या है बे? मेरी सुनेगा या उसकी सुनेगा? क्यों बुद्ध की तरह ऐसे खामोश खड़ा है, कुछ बकेगा या नहीं? खून होते हुए तूने देखा या नहीं? मैंने देखा नहीं। अगर यादव जेल गया तो शहर के लिए अच्छा है, सिर्फ तेरी गवाही के हम मोहताज हैं। तू सिर्फ इतना बता, खून होते देखा या नहीं? बिना देखे कैसे बोल सकता हूँ कि देखा हूँ? तेरी माँ, तेरा जमीन है या नहीं? तू मर्द है या नहीं? इतनी देर से झूठ पे झूठ बोल रहा है तू? बोल बोल, तेरे को काहे की गर्मी है रे, बता। इधर देख, एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं तेरी हिफाजत करूंगा,
तूने खून होते हुए देखा था या फिर नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। यह बात लिख के देगा? दूंगा। सुन लिया ना, बाजी हमारे ही हाथ में है। सुनकर मुझे तसल्ली हुई। अब क्यों खड़ा है? जा ना, जा, तेरी उम्र लंबी हो गई। जा जा बे। अपने पुलिस के सामने गवाही से मिली। सब कुछ जानते हुए फिर क्यों पूछ रही हो? जय कैलाश पुत्र की जय। जय कैलाश पुत्र की जय। जय कैलाश पुत्र की जय। जय कैलाश पुत्र की बोलो। जय कैलाश पुत्र की बढ़िया है। अरे भैया, त्योहार शुरू होने से पहले ही इनका नाटक शुरू हो जाता है। ए, रुजा, आधा घंटा बचा है, इसलिए भाड़े के ड्रेस का समय पूरा होने में। अरे अभी तक कलेक्शन ही नहीं हुआ, होते ही खुद को इन सबको और तुमको भी दे दूंगा। इसके लिए भाड़े के साइकिल पे भाड़ा वसूल नए हो जाना। आधे घंटे में वापस नहीं किया तो भाड़ा दूंगा। इससे मौरत और तेरी गंजी को भी डबल हो जाएगी। क्या शादी की प्रार्थना करनी है? रोको 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 रोको, बेशर्म खानदान आ रहा है, इन्हें देखने से बासी खाना भी नसीब नहीं होगा। गाड़ी मोड़ो, गाड़ी मोड़ो। कैलाश पुत्र, कैलाश पुत्र, जो नहीं है कैलाश पुत्र। लेकिन कैलाश पुत्र तुम्हें नहीं देखेगा। देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आशीष बस है। आशीष चाहिए? बेशर्म हो मगर भक्ति है। ठीक है, आशीष देता हूँ, पहले हुंडी में चढ़ावा तो। पैसा क्या चीज है, कपूर देती हूँ। उतारो उतारो। दादी, इलाहाबादी अमरूद है। अमरूद, अच्छा फल है, अच्छा फल है। ठीक है कैलाश पुत्र, आ करिए। अरे पापिनो, बेशर्मी नहीं बेरहम खानदान है, बेशर्म होकर मेरी जान लेना चाहते हो? कैलाश पुत्र का भेष बना के लोगों को मूर्ख बना रहे हो। इज्जत नाम की कुछ चीज है क्या तुम्हें? इससे अच्छा है कि तुम बल भी बेचो। चुप, इज्जत के बारे में तू बात मत कर। बड़ी यहाँ है, छोटी कहाँ है? वो वीरू के साथ नाचने से पिक्चर देखने गई है। सुनो, एक को एक अपना कल्चर, एक को दो अपने कलाचार के लिए अपमान। ए बुद्धी, समझाते क्यों नहीं? हाँ बुद्धू, इसमें भला गलत क्या है? इस जगत में हर चीज तो दो है। भूमि के ध्रुव दो हैं, मानव के लिंग दो हैं, कन्या के घर दो हैं, मनुष्य की आंखें दो हैं, हाथ दो हैं, पैर दो हैं, कान दो हैं और किडनी भी दो हैं। शाबाश, खानदानी बेशरम हो। ए बुद्धी, कैलाश पुत्र को भी नहीं बख्शा तुमने? तेरे भेजे में कुछ नहीं घुसा तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे ए, मेरी एक ही पोती है, वो ये है। एक ही पोती? तो छोटी बहन? वो तो झूठ था, तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए। और मत बोलो, मजाक उड़ाने के लिए? मेरी आंखें घूम रही हैं। हर सप्ताह मैं कैलाश पुत्र के दर्शन ना करूं तो मुझे नींद नहीं आती। भगवान साहब ने क्या मांगा? हाँ, मेरी छुटकी इम्तिहान में फर्स्ट क्लास पास हो जाए, ऐसे मैंने प्रार्थना की है। अगर सफल हो गई तो कैलाश पुत्र पर मैं कलश चढ़ाऊंगा। उसके अलावा और कुछ नहीं मांगा? और कुछ तो नहीं मांगा। अरे पजामा, हमारी जल्दी शादी हो जाए, ऐसा कुछ मांगो ना। कुछ कहा क्या? हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे फोन करते हुए देख कर भी तुमने पुलिस को बताया नहीं, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, याद रहेगा ना? रुकिए, रुकिए। आपने खून देखा और उसकी गवाही नहीं दी? ये डर है, कायरता है या फिर बुजदली? मुझे मारधार, खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं। इसे मेरा डर, कायरता, बुजदली कुछ भी समझ लो।
हमारे मालिक जो कर रहे हैं कुछ अजीब सा लग रहा है। वो समझते हैं कि वीरू का फोटो अगर सारे देश में भेज देंगे तो उन्हें मिल जाएगा। मुझे तो लगता है कि बेकार की कोशिश है, ये इनका पागलपन है। क्या भगता है? ये पागलपन नहीं है रे, बेहसीपन है। ये है वीरू के इंतकाम का बेहसीपन। रास्ते में कोई रोड़ा बनेगा उसका इतिहास मिटा दूंगा। अच्छा ट्यूबलाइट का धंधा है, जो खरीदता है उसकी जिंदगी में रोशनी आती है, लेकिन बेचने वाले की जिंदगी अमावास की रात और इस धंधे को चलाने वाले दिन बंदर अलग। तुम चिंता मत करो, तुम तीनों एक दिन जरूर ऊपर जाओगे। तुम्हें कैसे पता? ज्योतिष बोल रहे हो? तुम तीनों के नाम क्या? पहला अक्षर बताओ। पहला अक्षर ये ना, वीरू का वा, गोपाल का गा, बंसी का बा, वा गा बा। अरे हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में बताओ। अंग्रेजी में वी जी बी। एक और बार बताना। वी जी बी। हाँ, आज बड़े पैमाने पे जो आगे बढ़े हैं अंबानी परिवार वाले। हाँ, वो भी तुम लोगों की तरह गली गली में कपड़े बेचा करते थे। इधर सुन, तू जो बोला वो होगा या नहीं लेकिन सुन के अच्छा लगा। ये बता तुमको क्या चाहिए? मुझे बल्ब चाहिए। 40 रुपया दो। 40 रुपया? क्या? हाँ। 5 रुपये वाला दे देना। 5 रुपये में फ्यूज रॉड मिलेगा। वही तो मैं मांग रहा हूँ। कुछ जलेगा नहीं यार। जलाने का किसको पड़ी है? क्या आदमी है, 5 रुपये दो। ये पकड़, इसको लेके क्या उखाड़ेगा? अभी दिखाता हूँ। क्या देख रहा है? ये क्या गन्ने की तरह खा रहा है? सुबह का नाश्ता यही है। सुबह का नाश्ता? तो फिर दोपहर को? 5 जीरो बल्ब और 5 सीरीज बल्ब। सीरीज बल्ब अचार के तौर पे? और रात को? रात में सिर्फ एक सर्च लाइट बल्ब। ये आदमी है या पावर हाउस? ये पहले ही बोलना था ना। ठीक है ठीक है, तो ही देगा। कौन? मैं साथ दूं? मैं नहीं खाऊंगा। जाओ। तू नहीं खाएगा तो मुझे हजम नहीं होगा। मैं खाऊंगा तो मेरा हाल में ही नहीं रहेगा। तो मैं निवेला बना के दूं? सारा ट्रांसफार्मर छे मुझे ही झटके देके चला गया। ठाकुर के बेटे से रिश्ता जोड़ना चाहती है, आज से अपनी सरमान पर लगाम लगा दे, वरना तेरे जिस्म के इतने टुकड़े कर दूंगा कि उसे बिनते बिनते तेरी उम्र बीत जाएगी। ए, पहले हाथ हटा। इन दोनों के रिश्तों के दरमियान दखल अंदाजी करने वाला तू कौन होता है? हा? इस तरह कॉलेज में आके यूं लड़की को धमकाना कौन सी मर्दानगी है तेरी? ये इन दोनों का आपसे रिश्ता है, दखल देने वाला तू कौन है? क्या हक है तेरा? सही फरमाया, आखिर मैं कौन हूं दखल अंदाजी करने वाला? भैया क्या बात है भैया, उसने इतना कह दिया और चुप रह गए। बदतमीज लोग। डोंट डाइवर्ट योर अटेंशन, वी विल कंटिन्यू द लेसन नाउ। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी पर सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इफ द फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन 20 to 20,000 द साउंड कैन बी हर्ड बाय द ह्यूमन। Sound pauses are also set into vibration. Sound. Hey, pehle haath hatao. Pehle haath hatao. Bhaiya, Thakur saab ko kisi ki talash hai. Uski unhone photo bheji hai. Khol ke dikhaun? किसका है ये तुमको इंतजार? चुटकी चुटकी क्या हुआ? चुटकी क्यों ऐसे घबरा कर रोती हुई आई? कुछ नहीं भैया। कुछ नहीं क्या? चेहरे पर घबराहट, आंखों में आंसू है और वैसे काले सो तुम जल्दी आ गई, क्या हुआ बोलो ना। बोलती क्यों नहीं चुटकी? कॉलेज में। ए, सब लोग दफा हो जाओ, मुझे जरा इससे अकेले में बात करनी है। जाओ। ए, 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 तो बैठ बैठ ना। बैठ मेरी जान। अच्छा उस दिन तो मुझसे अपनी सहेली की सपोर्ट में बात की थी ना? तेरी बात को मुझे गुस्सा नहीं आया बल्कि प्यार आया।
और वही प्यार मुझे यहाँ तेरे पास खींच लाया। अब मैं तुझे बेशुमार प्यार करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने इश्क का गुबार बाहर निकल सकूँ। उम्मीद है तू मेरी इस इजहार की तौहीन नहीं करेगी। अगर मेरे इस फैसले में कोई रुकावट बनकर आया तो मौत उसे जीने नहीं देगी और जिंदगी उसे मरने नहीं देगी। मेरी ख्वाहिश यही है कि तू मेरी दुल्हन बनकर मेरी जिंदगी का हमसफर बने। तो हम आगाज करें। हम सुहाग रात नहीं सुहाग दिन बनाएंगे अभी इसी वक्त इसी जगह पर। वो समझ नहीं पाई रो रही है तो फिर शादी के बाद। इतनी सी बात थी तू तो बिल्कुल चुटकी है। मैं तो कुछ और समझ बैठा था इसके लिए इतना घबरा गई। चल आंसू पोंछ रोना बंद कर हिम्मत से जीना सीख। यादव की बात कर रही हो ना उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ पर तू मेरी बहन है वो नहीं जानती इसलिए उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की होगी। पर भैया तुम कॉलेज आराम से जा सकती हो उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे जाओ ना। सुना है परिंदों को दाने खिलाने से पुण्य मिलता है इसी बहाने अपने पापों को मैं पुण्य में बदल दूंगा क्या कहता है। अरे वीरू नमस्ते। आजा 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 मेरे घर कैसे आया हा? बता ना कोई प्रॉब्लम है क्या या मेरे आदमी से कोई प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम आपके आदमियों से नहीं आपसे। मुझसे है जी हाँ कॉलेज में मेरी बहन के साथ आ। अरे हाँ वो तेरी बहन है क्या हा? क्या इत्तेफाक है देखा तेरे और मेरे दरमियान क्या 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 है कि कुछ टाटा देखा उस दिन तूने मुझे बचा लिया और आज तू मेरी महबूबा का भाई निकला। हम दोनों में कुछ संबंध जोड़ने वाला है हा? चल बैठ कर बात करते आ जा। संबंध जोड़ने नहीं आया हूँ आप ठीक नहीं कर रहे यही सलाह देने आया हूँ। तेरी बहन को रखेल बनाने को नहीं कह रहा हूँ अपने घर की जीनत बनाने को कह रहा हूँ। नहीं यादव जी हर भाई अपनी बहन का रिश्ता शरीफ आदमी से ही जोड़ना चाहता है तो मैं कैसे एक कातिल से रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। किसके सामने कुत्ते की तरह भोग रहा है यहाँ ऐलाने जंग करने आया है। मैं यहाँ जंग करने के लिए नहीं आया हूँ मेरा अरमान और ख्वाब मेरी बहन को कलेक्टर बनाना है बस कोई भी रुकावट अगर आ गई तो क्या। नहीं नहीं आने दूंगा। नमस्ते यादव जी। रुपए अबे क्यों शेर से खुले हम पंगा ले रहा है तेरी बहन की नीलामी में खुद करूंगा तो क्या उखाड़ लेगा। ये आपका खुदा भी नहीं कर सकता। क्यों भाई डायलॉगबाजी कर रहा है। ओए तेरी बहन को सरेआम मैं नंगाना चाहूंगा। क्या उखड़ेगा तू मेरा। तू पुलिस वाला है सिर्फ पुलिस वाला बन के रहना सीख। Thank you.
खामोशी को तो बुजदिली मत समझना, ज्वालामुखी फटने तक खामोशी रहता है। उस दिन तो आप कह रहे थे आपको मारधार ये झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज आपने जो किया वो क्या है? सुनिए, ये अपनी बहन के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कैसा इंसाफ है? अगर शरीफ बनना है तो पूरे शरीफ बनो, अगर इंसाफ मांगना है तो हर चीज के लिए मांगो। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। वाह वाह, उस दिन यादव के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत थी तुम में? मरा होगा कोई तुम्हारी बला से, दुनिया चाहे तबाह हो जाए तुमसे कोई मतलब नहीं, बस एक तुम्हारी बहन ही सलामत रहनी चाहिए, है ना? ऐसी खुदगर्ज इंसान से मैंने, मुझे घिन आ रही है, बस करो। ये शख्स हरगिज खुदगर्ज नहीं, हमदर्द है। तुम्हें एक बात पता है, मैं इनकी बहन हूँ ही नहीं। किसी भी शख्स को जानने से पहले उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। इनका इतिहास जानती हो? ए शंकर, 11 बज गए हैं, सेंट्री चेंज करने का टाइम हो गया है, सेंट्री चेंज करो। क्या कर रहा है यहाँ पे? हेलो, कहाँ चले गए थे इतनी देर तक तुम? सब लोग छुट्टियों में अपने अपने घर जा रहे हैं, फिर से मिलने के लिए और 15 दिन लगेंगे, इसलिए याददाश्त के तौर पर एक छोटा सा तोहफा। अरे उसे छोड़ो यार, ये बताओ वहाँ नीचे क्या छुपा रखा है? अच्छा, बोतल को पूछ रहे हो? गांव में पूछने वाले ऑफिसर तो नहीं रहेंगे ना, इसलिए। ये क्या वीरू, तू तो दूध तक नहीं पीता, शराब क्या खाक पिएगा? ये मेरे लिए नहीं, गांव में मेरा इंतजार करे मेरे दोस्त के लिए, समझ गए? बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, गुड मॉर्निंग टीचर। एक दिन में अगर 40 लोग, हेलो, ये सब क्या है? यू शट अप। ले 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 लक्ष्मी, बुलाया भैया? मैं 1 बजे तक वीरू को लेके आता हूँ, तुम सब कुछ तैयार रखना जी। और फिर उसके आते ही उसे लमसा चाय देना, उसके बाद खाना। लमसा चाय उसे बहुत पसंद है, माला ले आए? ले आए। वेरी गुड। पटाखे वो भी ले आए? वेरी गुड। मुर्गा लक्ष्मी को दे देना, खड़ा मुर्गा लेके आ गए, काट के लाना था ना, बेवकूफ कहीं का, जाके दे दे। ये क्या है बोलियम, तेज क्यों नहीं किया? उसे दूर से सुनाई देना चाहिए ना। ओके सर। तेज करो। सुनिए, अगर आप इस तरह शोर मचाते रहेंगे तो मैं बच्चों का कैसे पढ़ाऊंगी? कांस्टेबल के घर से कलेक्टर के घर तक गाने की आवाज जानी चाहिए। मेरे घर में आज कौन आ रहा है जानती हो? मेरा दोस्त वीरू, मिस्ट्री मैन। देखिए, एक ही दोस्त आ रहा है तो इतने ऑटो क्यों? हैं? एक छोटे से एमएलए के लिए इतना कुछ होता है? 50-50 कारें साथ में चलती है, और हमारे देश की हिफाजत करने वाले मोदी के लिए 4-4 ऑटो भी नहीं चल सकते? इतना ही नहीं, हम 50 ऑटो ले जाएंगे। रुकिए, हॉस्पिटल में तुरंत थाने पे बुलाया है। मैं तो लीव पे चल रहा हूँ ना। दरोगा जी का कुत्ता बीमार है, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, अगर तुम लेकर नहीं गए तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना होगा। क्यों भैया चलोगे? जी हाँ चलता हूँ साहब, कहाँ जाना है? रामनगर। परमिट दिखा, जल्दी निकाल। ये लीजिए साहब परमिट। ये लीजिए लाइसेंस साहब। ये लाइसेंस रहा मेरा। क्यों भाई? इंश्योरेंस पेपर साहब। कैसी चेकिंग? परमिट चेकिंग सर, हर रात यही ड्रामा होता है। ठीक है भाई, ठीक है, जो करना का मोटे विश्वास करना कहेंगे। वो बोला बार बार हंसते, मोटे विश्वास करना कहेंगे। साहब ये उड़िया भाषा में बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जा जा। मु भल परिवार आसुचे सर, मु गाड़ी आसु थी, मो सामान चोरी हो गला सर, जो माने मते रिसीव करबा को आसी थिले से माने पड़े ले सर। रात के 2 बजे अकेली आई हो तुम, कोई साथ करनी मुझे? चल मेरे साथ स्टेशन, ये पे चढ़, चल चढ़ जेब में। बाबू चुंदे से मते किछ नहीं सर। चल ले के कहा, चढ़ जेब में, चल। ओए बकवास बंद कर, चल मेरे साथ। हां जाने के लिए चल चल सर। वो समझे? अरे साहब आप इन पे शक मत कीजिए, ये बहुत ही भोली लड़की है। यही बोलने वाला थे ना तुम? नहीं, वो उड़िया भाषा समझ में नहीं आई होगी इसलिए। सुनो, मो उड़िया जाने छे, ट्रेन लेट आ गई और लगेज की चोरी हो गई बोल रही थी,
अरे मुझे नसीहत देने के लिए आप सीधे फौज से यहाँ आ रहे क्या? छुट्टी बिताने के लिए आए हो, ड्यूटी निभाने की कोशिश मत कर यहाँ, चल फुट। नखरे नहीं, चल फिर बात सुनिए, उसे छोड़ दीजिए। अरे वाह, आप तो कानून की जबान बोल रहे हैं। ठीक है, आप मेरा टीम है ना, एक काम कीजिए, इसे घर पे छोड़ाइए। जा जा, अरे जा। मोसांगिया सर, धन्यवाद सर। तो मुखर कौटी अशोक नगर। मिलिट्री ऐश्वर्या जैसी लड़के को पाते ही खुद को अभिषेक बच्चन समझ रहा है क्या? फौजी है तो भूखा ही होगा। क्या क्या बोला? तो मिलिट्री है तो मैं पुलिस हूँ, क्या सोच कर यही बोला? यही बोला ना? एफ आई आर दर्ज के सर, दर्ज कर लिया, नाम लिखना है। नाम क्या है? मिलिट्री मैन है, पहचान पत्र तो होगा ही। थोपड़े का नक्शा बदल दूंगा। शक्ति वीरू। मिलिट्री, तेरे खिलाफ 5 धाराएं लगाई हैं। देर रात लड़की के साथ छेड़छाड़ करना, नशे में धुत, गांजा रखा था, पुलिस ने रखा था पुलिस की पिटाई, इसके अलावा जीप का शीशा भी तोड़ा। हाँ, तोड़ दिया। सबूत के साथ कल कोर्ट में पेश करूंगा, तब पता चलेगा पुलिस बड़ी है या मिलिट्री। ये है तेरी एक गूंज का झटका। मिलिट्री मैन को अरेस्ट करते हैं तो मिलिट्री कंफर्म करना पड़ता है, यही ताज रात हिंद कहता है। जब तुझे अरेस्ट किया तो मुझे पता नहीं था कि तू मिलिट्री है। एक कहा, तेरे नामो निशान को मिटाने वाला हूं। Thank you.
ज्वालामुखी फटने तक खामोश ही रहता है। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। ये क्या, सुबह से दूध वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला सभी आके चले गए। आप तो वो मिलिट्री दोस्त अब तक क्यों नहीं आया? एक बात पता है अंकल, आपका दोस्त दिल्ली से वॉकिंग करके आ रहा है क्या? इस गैस सिलेंडर को ज्यादा खोल के ना रखा करो, मुंह बंद करके रखा करो। इधर सुनो टीचर, मुझे चाहे कुछ भी कह लो लेकिन मेरे फ्रेंड के बारे में। लक्ष्मी, वीरू आ गया, लक्ष्मी वो आ गया। अरे छोड़ना यार, अरे क्या बचपना कर रहा है, छोड़ना। अरे छोड़ना, ले जाने दे ना। तू भी यार। लक्ष्मी, इलायची अदरक दे के दूध वाली लमसा चाय मेरे दोस्त के लिए लेके आ जा। जा। ठीक है भैया। कश्मीर से पत्थर भर लाए क्या? अरे ये क्या, कंप्यूटर को तूने भगवान बना दिया? ये कलेक्टर के लिए। कलेक्टर के लिए? लक्ष्मी कैसे भी कलेक्टर बन जाए यही मेरी तमन्ना है। उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है ना। एक कंप्यूटर हो जाए तो उसको सहूलियत हो जाएगी ना, इसीलिए अलग से पैसे जमा कर रहा हूँ। चाय, चाय। देना। अरे चुप रहे ना, इसकी जूठी चाय पिए बहुत दिन हो गए हैं ना। चल दोनों साथ नहाते हैं। साथ नहाएंगे? हाँ, नहीं तो तेरी पीठ कौन साफ करेगा? पीठ साफ करेगा? फिर क्या, कितने दिन हो गए तेरी पीठ मैले हुए। बचपन में नहाते वक्त जब पीठ पे हाथ नहीं पहुंचता था तो मेरी पीठ पे ऐसे साबुन लगाता था और मैं तेरी पीठ पे साबुन लगाता था, सब भूल गया था। वो तो बचपना था, अब वो सब नहीं चलेगा ना। कहता हूँ जा। अरे जाना, अकेले ही नहा। वो तेरी शर्ट है ना? ये क्या है? वो कुछ नहीं यार, जैसे किसी ने मारा हो ऐसा निशान है। फिर मैं क्यों बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना। ए, देख मुझसे झूठ मत बोला कर, मेरी आंख में देख के बोल। ए, बोल ना। क्यों यार, वो क्यों ऐसे है? इंसानियत नहीं, शराफत नहीं, क्यों पुलिस वाला हैवान बन गए हैं? है? इस तरह के कई जुर्म होते रहते हैं, न्याय धर्म के रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो हम क्या करें? हमारे डिपार्टमेंट में इस तरह की कई वारदातें हो चुकी हैं, जिस तरह तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, फौरन तुम्हारे डीजीपी से मिलना है। देखिए मिस्टर शक्तिवीरू, कल आपको पीटने के बाद पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 3 दिनों से वो लीव पर है। 15 दिनों के कैजुअल लीव के लिए वो लेटर लिखकर गया है। उससे पूछने पर वो यही कहेगा कि मैं छुट्टी पर गया था। ऐसे में भला क्या कर सकते हैं? हमारे डिपार्टमेंट में किरण बेदी जैसे कई ईमानदार ऑफिसर्स हैं, तो कुछ इस तरह के करप्ट ऑफिसर भी मौजूद हैं। एनीवे, आई विल ट्राई टू गिव यू जस्टिस। सर, मैं यहाँ अपने लिए इंसाफ मांगने नहीं आया। जब एक मिलिट्री मैन के साथ ऐसा हुआ तो आम आवाम के साथ क्या होता होगा? आप भी अच्छे तरह जानते हैं सर, हम सर पे कफन बांधकर मुल्क की हिफाजत करते हैं, लेकिन यहाँ पर आवाम की हिफाजत करने वाली पुलिस ही वैश्य बनी है। सॉरी सर, क्यों इस तरह की गैर जिम्मेदारी? सर, इफ यू डोंट माइंड, करो पुलिस वालों को सजा देने का आवाम को देकर देखिए, फिर जान जाएंगे कि उनका अंजाम क्या होना चाहिए। चुप नहीं बैठेंगे सर, जूते से मारेंगे। कांस्टेबल, एसआई, इंस्पेक्टर, एएसपी, डीएसपी, एसपी, कमिश्नर, डीएजी, आईजी, डीजीपी, हर किसी के अलग अलग ओहदे हैं सर, लेकिन इनमें से किसी का ओहदा देके बगैर हर पुलिस वाले को लोग मामा कहते हैं। क्यों सर? आने वाला जाने वाला हर पुलिस वाला रिश्वतखोर बना हुआ है। आवाम को आपके डिपार्टमेंट से कितनी नफरत है पता है सर? आप चाहे लाख पुलिस का नंबर और वोट लगा ले, लेकिन आवाम आपको अपना दुश्मन नहीं समझती है सर। सर, मिलिट्री की तरह पुलिस भी आवाम की हिफाजत के लिए है। यह हिफाजत करने वाले कम और कयामत ढाने वाले ज्यादा है सर। आपने जो कुछ भी कहा वो सच है मिस्टर शक्तिवीरू, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ हम एक्शन भी लेते हैं, मेमो देते हैं, सस्पेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और तो और वक्त आने पर उन्हें जेल भी भेजते हैं। मगर वो बड़े बड़े नेता और ऑफिसर से सोर्स लगाकर फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर से करप्शन करते हैं। उनके खिलाफ एक्शन लेने वाले ऑफिसर्स को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सुधरने वाले नहीं है। सुधर जाएंगे,
पीड़ी जलाने जिगर से पिया। ये कह रहे क्या है? ये मेरा बेटा, मेरे बेटे की अस्थियां है ये, मेरी आंखों का तारा, मेरा इकलौता बेटा। मार डाला जालिमों ने उसे, अब तो आपको तसल्ली हो गई। उसके बाद अपने बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला देने के लिए अपना खून पसीना करके जो 40 तोले सोना हमने इकट्ठा किया था वो चोर ले गया था। हमने ऑफिस से तो कंप्लेंट लिखाई थी, सही समय पे आपने गहने ढूंढ के दे दिए थे, तो मेरा बेटा नहीं मरा। तूने भी कानून सीख लिया, टीवी में सीरियल देख कर क्या? वो सब तो नौटंकी रहती है, यहाँ तू नौटंकी करने क्या कर रही थी? तो यहाँ क्यों बैठा है? एक मिनट यहाँ रुके, तो दरअल के केस में अंदर ठूस दूंगा, जेल में सरदार हो गए, परनिया से दफा हो जाओ, जाओ रे। ये अपना कूड़ा करके यहाँ क्यों रखा है? लेके जा रहे आ गए कानून से। चालीस लाख रुपए जुर्माना भरा है इस बैठ के लिए, मैंने से कमाई है ये रकम। मार्बल वगैरह ठीक से चमकना चाहिए, ठीक है सर। बाथरूम को ऐसा सजाना वो शीश मान लगे, ये फ्लैट अपने बेटे के नाम पर लिया है, ये ले पकड़। बाकी के दुलाख मैं देख लूंगा, तू क्यों फिक्र कर रहा है? अबे 420 आंखें क्यों फाड़ रहा है? ये रे यहाँ क्यों नजर आ रहा है? 40% आरटीओ को देकर 20% मुझे देकर बाकी दखल लिया। उसके परिवार वाले आज जस्ती कलश लेकर थाने में आए और नौटंकी करके गए, समझा क्या? बेटा तुम कह रहे खून दुश्मन, तेरे जैसे पुलिस वालों का दुश्मन। तोर डाक सुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। अरे ओ रे ओ भागा एकला चलो रे। ये फंदा, वो बंदूक और ये चाकू, तुझे किससे मरना है तो खुद ही सिलेक्ट कर ले, नहीं तो बाबू मोशा ये ले, तू बोल होरी बोल हो जाबी। क्यों बे, किस तरह मरना है फैसला कर लिया, बोल। एक ही महीने के अंदर एक ही पुलिस स्टेशन में 50 चोरियां, 100 राहजनी, 200 जेबकतरी, 25 बलात्कार, पूरी बाबा पहुंचा खून। इसके अलावा गुंडों से इसने 50% ही हिस्सा लिया है बाबू मोशाई। एनकाउंटर, एनकाउंटर से डर गया? ये तुम लोगों का ही इजाद है, जानता है? एक छोटा सा फर्क है, अवाम की तरफ से एक करप्ट पुलिस वाले का मैं करूंगा एनकाउंटर। नहीं मुझे डर गया, मौत को सामने देख के डर गया ना? उस दिन एक मासूम इंजीनियरिंग स्टूडेंट तुम्हारी वजह से मर गया, उसके माँ बाप कितने तड़पे होंगे पता है तुम्हें? देर रात में घूमने वाली अवाम को गुंडों का डर लगा रहता था, लेकिन अब तुम जैसे कमीने पुलिस वालों का डर लगा रहता है, क्यों बे? किस लिए? रिश्वत में हिस्सा, मासूमों पर जुल्म, अवाम अवाम पर सितम करते आ रहे हो, क्यों? शर्म नहीं आती? तुम लोगों में जल्लादों में फर्क क्या रहा? क्यों बे? तू एक बात जानता है? टीवी पर मैंने खबर देखी, पूरे हिंदुस्तान में रिश्वतखोर सबसे ज्यादा तुम ही लोगों। बाबू मुशाई, ये दोंगशो ने एक नंबर, ठीक सांपेर मतो। तुम लोग सांप, सबके सब सांप, खाकी वर्दी में छुपे तुम लोग हिंदुस्तान के आस्तीन के सामने। याद करो,
यही खाकी वर्दी पहनते वक्त हिंदुस्तान को बचाने की कसम खाते हो, लेकिन तुम लोग खुद ही दुश्मन बन गए हिंदुस्तान के। खाना खाना, भूख लगी। नहीं खा, खा ले, ले खा, तुझे दौलत की भूख थी ना, ले अब खा, तेरे सामने अब दौलत का जखीरा है, खा ले। क्यों बे, तू तो कानून का रखवाला था, लेकिन तू सब भूल गया इसी दौलत के लालच में। अब अगर तूने दौलत नहीं चबाई तो मैं तेरे चेहरे पे दर्द रातें हिंद लिख दूंगा। तुझे मैं 3 दिन की मोहलत देता हूं, तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं नहीं जानता। तेरे जुल्म के शिकार जितने भी हैं उन्हें दौलत लौटानी होगी, वरना वरना तेरा हश्र देख के तेरी मौत भी कांप उठेगी। जामाई बाबू केवल लागलो आमादेर बाबू मशाई, वो दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन। रुद्र जा नहीं तो तू ये लीजिए, चोरी किया गया सामान बरामद हो गया है। हम आपके बेटा तो नहीं ला सकते, छीना गया ये 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 सामान तो ले लीजिए। लीजिए ना। ये बताया, मेरी जिसने धुलाई की थी वो तो सॉलिड था, लेकिन उसके साथ जो चमचा आया था वो कौन था रे? अगर वो बाबू मशाई मुझे मिल जाए तो। उन्होंने क्या किया सर? बेजा निकाल दे, देख ना रे। अरे सुन, उस चमचे की अंगूठी को मैं पहचानता हूँ, एक बार मिल जाए तो उस चमचे को मैं 10 मारूंगा। ए फोन उठा रे। हेलो, हाँ हाँ सर सर एक मिनट देता हूँ, पूरा मुफ्ती से इंस्पेक्टर का फोन है। क्यों रे? आपकी तरह उन्होंने भी अपना बंगला बेच दिया। अपना बंगला उसने भी बेच दिया? मौसी कितने बजे आने को कहा था उन्होंने? 4 से 6 के बीच शुभ मुहूर्त है, उसी समय आने के लिए कहा था, अभी तक नहीं आए, पता नहीं किस वजह से अभी तक नहीं आए वो। बांध लेंगे? नहीं मुझे पसंद नहीं, दूल्हे को आने में काफी देर है, सब तो चुप बैठोगे। लीजिए, अरे ले भी लीजिए ना। ये बताओ लड़की खास यही की रहने वाली है ना? वो दूसरी जगह की है? कहाँ की है? मुंह से बोलो भाई। कोई बात नहीं। क्यों भाई, आप पुलिस वाले हैं? इसका मतलब आपको चक्कू छुरी चलाना आता होगा। ओ इसके अलावा और कुछ भी जानते हैं? वो क्या है? अरे भैया उसका भी नाम तो बताओ। नमस्ते, जय राम जी की। अरे क्या चारों तरफ बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है, ब्याह शादी का घर है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बोर मार रहा है क्या यार? अरे कुछ गाना वाना बजवाओ ना। अरे कुछ असर ही नहीं पड़ा। हेलो, तुमको गाना वाना कुछ आता है? तो फिर सुनाओ ना। खाई के पान बना रखवाला खुल जाए बन। बारात आने में भी काफी वक्त है, शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, हमें जाने दीजिए साहब। तुम चाहे शादी में जाओ चाहे श्राद्ध में जाओ, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ उसे देकर जाओ। आरसी बुक मांगा तो दिखाया, इंश्योरेंस पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, सब तो दिखा दिया आपको, सब कुछ सही है, फिर पैसे क्यों मांग रहे? हमारे हिसाब से सही है ना, तो मेरा हिसाब क्या है वो सुनो। गाड़ी जेट एयरबेस की तरह चला रहे थे, रेस ड्राइविंग मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 184, मैंने गाड़ी रुकवाई और तुमने नहीं रोकी, सेक्शन 119, इंडिकेटर जलाए बगैर गाड़ी मोड़ी सेक्शन 121, स्टॉप मार्क पर गाड़ी नहीं रोकी उसके लिए सेक्शन 177, सुन लिए? भले ही सारे पेपर ठीक हो फिर भी इतने केस बनते हैं, समझ गए ना? रसीद काटूंगा तो 500, बिना रसीद के चुपचाप 100 रुपए डाल दो। भैया मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, लड़की के पास मोबाइल है, जरा पूछ लीजिए क्या हुआ। ए, चलो चलो जल्दी आगे बढ़ो, चलो। जमाई जी बोल रहे हैं, मैं लड़की वालों के यहाँ से बोल रहा हूँ, क्यों लेट? कुछ नहीं भैया, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, खामखा भैया चाट रहा है। मैं भी एक पुलिस वाला हूँ जमाई जी, जरा मोबाइल उसे दीजिए, मैं ही बात कर लेता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? एक ट्रैफिक पुलिस वाला 500 रुपए के लिए झगड़ा कर रहा है, अब देखना मेरा पावर। हेलो कौन बात कर रहा है? आदमी, मैं भी पुलिस वाला हूँ, चोर बाजार स्टेशन का हेड हूँ, क्यों इस तरह बीच सड़क पे भेजा चाट रहे हो? क्या कहा, भेजा चाट रहा हूँ? तो तुम्हारा डिपार्टमेंट बहुत बिगड़ गया है।
क्यों तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले सब दूध के धूले हैं क्या? क्यों तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले घूस में पैसे लेकर कितनों को पकड़ कर छोड़ देते हैं और तुम मुझे फोन पर ताजे रहते हिंदू सुना रहा है? लोगों का जूठन खाने वाला मुझे चोर नहीं बोल सकता। क्या कहा जूठन? जरा अपना नाम बता। नाम है राकेश कुमार, गाँव है आसलपुर। जो खाना उखाड़ ले, बिना पैसा लिए गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। ले फोन पकड़। पुलिस से दोस्ती और दुश्मनी दोनों महंगी पड़ती है, पता नहीं कहाँ कहाँ चले आते हैं। अगर वो रिश्वत मांग रहा है तो देने को बोल दे, बाद में निपट लेंगे। ये तुम कह रहे हो तो अपने उसूल? वो बाद में बताऊंगा, बोल। जमाई जी, शगुन का समय निकला जा रहा है, आइए जल्दी शुभ कार्य शुरू करते हैं, बाद में बातें करते रहेंगे। हम सभी लौट गए होते लेकिन ये आपका अपमान होता, इसीलिए वापस आए। पुलिस ने रोक लिया, ये शगुन ठीक नहीं है, इसीलिए ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं, माफ कीजिए। आप कैसी बातें करी, अभी तो एक औरत है। लड़की देखते हो शगुन मत देखिए, लड़की के गुण देखिए। शनि सूर्य के घर में है, मंगल गुरु के घर में, ये मत देखिए। चाल चलन की बहुत अच्छी है हमारे गांव की लड़की। देखो भैया, तुम अपनी जगह सही हो, हम अपनी जगह सही है, हमको रिश्ता करना ही नहीं है। अरे सुनो तो सही, रिश्ता पक्का करके पलट रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? तुम इंसानियत है कि नहीं? बेकार में टेंशन मत ले, खामोश रहे। गुनहगार ये नहीं है। उस ट्रैफिक कांस्टेबल का नाम क्या है? ए, चलो आगे बढ़ो, चलो चलो चलो, ए, तू साइड में चल, इधर आ। क्या है साहब? आरसी बुक, एफसी लाइसेंस, परमिट, सब कुछ है। सब कुछ है ना, 50 रुपए निकाल। कुछ होते हुए भी 50 रुपए क्यों भैया? ऐसे क्या सोच रहा है, जल्दी निकाल नहीं तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। घूस की अपेक्षा कर रहे। हाँ दक्षिणा दे दीजिए पंडित जी, पुण्य के खाते में मेरा नाम भी लिख लीजिए, मेरा नाम है राकेश कुमार। शीघ्र हमें अनुमति दीजिए, एक गृह प्रवेश में हमें जाना है। दक्षिणा दीजिए और प्रस्थान कीजिए। दक्षिणा तुरंत देता हूँ। हाँ जल्दी कीजिए, अभी दूसरा मुर्गा भी फंसाना है, शाम तक पूरा हिसाब क्लियर कर देना है। हाँ जल्दी कीजिए, निकालिए लाइए। आप हैं कौन पंडित जी? जबान बंद कर, तेरी वजह से एक लड़की की जिंदगी बनते बनते बिगड़ गई, जानता है? जानता है कमले? पंडित जी, पंडित छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए पंडित जी। गवर्नमेंट को तुझे हर महीने तनख्वाह, बोनस, पीएफ, पेंशन, ईएसआई अलाउंस, क्वार्टर्स देने के बावजूद इस तरह सड़कों पर खड़े होकर 150 की भीख मांग रहे हो? गाड़ी में जाने वाला आतंकवादी है या स्मगलर है, ये जाने बिना घूस लेकर छोड़ गए तो देश का क्या होगा? मान मर्यादा वाली पुलिस की वर्दी पहनकर इस तरह सड़कों पर भीख मांगने के बजाय तो सचमुच का भिखारी बन जा। भगवान तेरा भला करे, दे दे माई। जा तो रहा हूँ, दे दे भैया, दे दे बाबू, दे दे बाबू, दे दे भैया, भैया बाबू, दे दे बाबू। चाकू की नोक पर बलात्कार करते हुए तो देखा है, मगर ये बंदूक की नोक पर भीख मंगवा रहा है। माई हाथ तो अच्छे तो है, फिर क्यों भीख मांग रहा है? टाइम पास करने के लिए। अरे जाना अरे, किस लिए सब्जी? सिग्नल पे भिखारी खड़े रहता है उसके लिए। भैया रुक ना, इस शहर का तू ट्रैफिक कांस्टेबल है ना, ये क्या हाल बना रहा है, कुछ लेता क्यों नहीं? साहब धीरे बोलिए, वो दोनों ही अंदाज के चेले यही पास में बंदूक लेकर खड़े हैं, वही दोनों हमसे भीख मंगवा रहे हैं। कौन है वो? चोदी तो चुने के उनाया मौत के तबे एकला चलो रे, एकला चलो। सुन रे, तू भी उनके रेंज में आ गया क्या? तुझे एक पते की बात बताता हूँ। बोलिए। दौलत से खाना खरीदा जा सकता है पर भूख नहीं खरीद सकते। चल गाड़ी आगे बढ़ा रे। दौलत से हम खाना जरूर खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हैं। चलो 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 जल्दी चलो, चलो चलो निकलो निकलो जल्दी चलो चलो चलो। सारे कागज पत्र ठीक है, डेली का तुम्हारा यही ड्रामा रहता है, ये लो 50 रुपए। मैंने तुझसे मांगा क्या? तुझे अकल है? तुझे एक पते की बात बताता हूँ, गौर से सुन। दौलत से खाना खरीदा जा सकता है मगर भूख नहीं, आज से किसी तरह का कोई घूस नहीं। सुनो भगवान, तुम्हारा ये तीखा अचार और तुम्हारा ये ठंडा पानी हमारे डिपार्टमेंट के मोड की तरह। और क्या, यहाँ के हर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले चोर डाकुओं से घूस लेकर उन्हें छोड़ देते हैं।
और आज तक यहाँ 8 कांस्टेबल, 5 ट्रैफिक पुलिस, 6 सब इंस्पेक्टर, 4 इंस्पेक्टर घूस लेकर बंगला बना चुके हैं। चाहे कुछ भी हो लेकिन अपना डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है। देखा, हम ही लोग बेवकूफ बने हुए हैं। व्हाट स्पेशल टीम, यहाँ रिश्वत ली है, वहाँ रिश्वत ली है, ये सब महज अफवाह है। इसके लिए किसी ने कोई शिकायत की है या किसी ने कोई सबूत या गवाह पेश किया है? हम लोगों का हाल इनको कैसे पता चला? क्यों मिस्टर अनिल वर्मा, आपने भी कुछ लिया है क्या? सर आपसे ही पूछ रहे हैं। नहीं सर, मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं हुआ। रूमर है सर, रूमर है। अच्छा, तो आपके मुताबिक ये रूमर है, यही ना? अगर ये सब सच है तो करप्ट ऑफिसर्स ही इसके जिम्मेदार हैं। आप अपने फर्ज और कानून से बेईमानी ना करें। डोंट वरी अबाउट हिम, लेट अस फाइंड अप दिस मीटिंग। सर पूछ रहे थे तो फौरन बोलना चाहिए था ना। तेरा भेजा खराब है क्या? सर आप कुछ नहीं बोले? भैया रूमर माय रूमर। विनय सर, आपके दोस्त शक्तिवीरू कैसे हैं? वो ठीक है सर। होशियार रहने के लिए कह दो, कल कोई दूसरा डीजीपी भी आ सकता है। वो कैसा होगा बता नहीं सकते। ओके, छूने को है पागल गुरा गुरा, छूने ना।
बाहर से खरीद ले, अंदर क्यों आ रहा है? रुको रुको रुको, इतनी जल्दी का है? इसका नाम क्या है पता है? इसका नशा कैसा है जानते हो? जैसे राखी सावंत। इसे पीने के बाद इसकी जरूरत नहीं। इसका नाम क्या है पता है? नहीं, इसका नाम है शिंपांजी। ये देखो, बहुत खूब सुपर। अबे वो बाटल लेके जाओ, तू ताली पीटता है। तो मैं तुम्हें यहाँ गुंडे करने के लिए आया है? हाँ, मैं गुंडे कर रहा हूँ या तू गुंडे कर रहा है? स्कूल के बगल में दारू का ठेका खोल के धंधा कर रहा है, ये कोई इंसाफ है? और अच्छी तरह से पूछो, कितने एप्लीकेशन भेजे, ना गवर्नमेंट सुनी ना पुलिस सुनी, कानून को अपने हाथ में लेके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। वाह रे टीचर वाह, तो तू लेके आई इसको? रोज तू इसी रास्ते से स्कूल आती जाती है समझी? अगर तू दुकान खाली कराने की कोशिश की तो तेरा थोबड़ा ऐसा बिगाड़ दूंगा कि आईने में तो खुद को ही नहीं पहचान पाएगी। क्यों बच्चों, स्कूल के पास शराब खाना चाहिए? तो जाओ तबाह कर डालो। जाओ बच्चों जाओ, जाके तबाह कर डालो। मिठाई, दूध की खीर, सबको खिलाओ। आपका जन्मदिन है क्या? नहीं। एमएलए एमपी बनने वाले हैं क्या? नहीं। क्या खुशी है बताइए ना। उससे भी बड़ी खुशी की बात है आज। तुम्हारी निगरानी में जो मेरा दारू का ठेका था उसका वजूद किसी अजनबी ने जला के नेस्तनाबूद कर दिया। अरे बाप रे बाप, मेरी में चली गई उसी खुशी में। नहीं चाहिए माई बाप। सिटी में मेरे पूरे 150 वाइन शॉप है, जिनमें से 149 चले गए तो भी गम नहीं, लेकिन इस एक तबाही की वजह से मेरी इमेज चली गई। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारे पुलिस स्टेशन में हर महीने में दी जाने वाली रकम है 20 लाख रुपए, उसमें से तेरे पुलिस स्टेशन को देता हूँ 2 लाख। वो तो मैं जानता हूँ। कैसे उस वाइन साहब को रेस्टोरेंट आबूद कर दिया पता? माई बाप मुझे माफ कर दो मेरे माई बाप, मुझे अपने हाथों से गोली मार दो माई बाप। आपका नमक खा के बड़ा हुआ हूँ, आपसे मुझको नमक हरामी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी जान से मुझे प्यार हो गया। ये तो क्या बकवास, ना जाने कौन दो आदमी मुझे अगवा करके ले गए। इसकी बोती बोती काट के गली के कुत्तों को खाने को दो तो ही इसके पापों का प्रायश्चित होगा। अरे अरे मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो। इसके चीखने की आवाज भोपाल से नेपाल तक जाए। हिंदुस्तान के सारे करप्ट पुलिस वाले तेरी हालत देख के सुधर जाएंगे, और अगर नहीं सुधरे तो उनकी हालत तुझसे भी ज्यादा बिगड़ जाएगी, ये हमारा दावा है। कमीने। अरे अरे मुझे मत मारो यार, उस ठेके का मैं मालिक नहीं हूँ, सिर्फ रखवाली करता हूँ।
ठेके के मालिक का नाम है ठाकुर। ठाकुर भाई बाप, उन दोनों को मैं नहीं पहचानता हूँ, क्योंकि दोनों ने वेश बदला हुआ था। कौन है वो दोनों? कौन है वो दोनों? कौन है वो दोनों? कौन है वो दोनों? पता करो कमीनों। ये स्टफ 2 महीने से खराब है, रिपेयर करने को कहा अभी तक नहीं किए। पगार लेके सीधे घर आने को कहा तो तुम आईएएस की किताब लेकर आए हो? अरे मैंने क्या किया है, भूख से तो लाके दिया हूँ ताकि तुम जल्दी कलेक्टर बन जाओ। कलेक्टर बनने के लिए बहुत समय पड़ा है, ये किताब जाके वहीं वापस करके आओ। कुछ तो कहो भैया। बात यह है छुटकी, मैं भी कुछ किताबें लाया हूँ। अच्छे भैया मिले। ठीक है भैया, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं भी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, रास्ते में तुम्हें छोड़ दूंगा। तेरे घर का पता कैसे चला यही सोच रहा है ना? ये लोग बोले लेडी टीचर पर डाउट है, वो डाउट ही रूट बन गया। ऐसे क्या घूर रहा है? ठाकुर मेरा नाम है, तूने जो रजिस्टर ऑफर कर दिया वो साइन छाप का ओनर ठाकुर। नाम है शक्ति वीरू, मिलिट्री मैन। छुट्टियों में दोस्त के घर आया था, यहाँ के पुलिस वालों का कमीनापन तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तूने खिलाफत की। सिर्फ पुलिस वालों से खिलाफत करने से दिल नहीं भरा तो तूने कमीनापन करवाने वालों की खिलाफत करने की सोची। स्कूल के करीब वैनशाप नहीं होनी चाहिए, ये तुझे सामाजिक समस्या लगी और तूने मेरी वैनशाप तबाह कर दी, यही तेरा इतिहास है। ठाकुर जन्मे जयपुर, परवरिश पटना में, पता नहीं तुम्हारा शमशान कहाँ होगा। पुलिस और कानून को अपनी रखेल बनाने वाले बुजदिल ठाकुर। मैंने बचपन में ए फॉर एप्पल बी फॉर बेबी नहीं पढ़ा, ए फॉर एसिड बी फॉर बम पढ़ा, गुंडे ही परंपरा। उसी 4 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे कांच की गोलियां खेलते हैं, मैं बंदूक की गोली से खेल चुका हूँ, फौजी खानदान का हूँ। मैं मौत से भी ज्यादा पावरफुल और खौफनाक हूँ, हस्ती मिटा दूंगा। जंग जीतने वाले लाशें नहीं गिना करते बल्कि दुश्मनों के सांसें गिना करते हैं। तूने स्कूल की वजह से मेरा वही सब तबाह किया, तू देखता रह, मैं वो स्कूल ही खाक कर दूंगा। स्कूल को खाक करने से पहले मैं तुझे राख कर दूंगा, ज्वालामुखी हूँ जो फटने तक खामोशी रहता है। मजदूर है। ए, आप दोनों वही शराब के ठेके में काम करते थे ना? वॉचमैन? इसे इस तरह छोड़ दिया तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? बम के धमाके से स्कूल के साथ साथ इसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चल अरे बहुत हो गया, फौजी की वर्दी पहनाकर फोटो ले रहा है। तू मिलिट्री मैन है, तेरी फोटो 4 लोगों को दिखा के मुझे फकर ने महसूस करना है? अरे मेरी फोटो दिखाकर कितनों को डराएगा? विनय, मैं तुझसे बहुत दिनों से एक बात पूछना चाहता था। क्या? सामने वाले टीचर की मंगनी टूट गई, तू क्यों नहीं शादी कर लेता उससे? वो तो ठीक है, लेकिन उसका रेंज मुझसे थोड़ा डिफरेंट है। मैं तो ठहरा मामूली कांस्टेबल और वो तो टीचर है। अबे तेरी, तुझे मंजूर है ना? ओ, मुझे तो मंजूर है। तू राजी हो तो आज ही बात पक्की कर देता हूँ। अबे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? आज तक हमारे साथ साथ में फोटो नहीं है, ऑटोमेटिक कैमरा है, जाके रख दे। ए मुस्कुरा, अच्छी तरह मुस्कुरा ना। अबे फोन बज रहा है। अरे बजने देना।
वीरू रुक 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 आजा मेरे साथ। क्या बोल रहे हैं स्कूल के अंदर हम? हाँ सर कभी भी फट सकता है सर, बच्चों को स्टाफ को बाहर निकालिए जल्दी। सर सोचते ने हमें फोन करके बताया आपके स्कूल में फोन कहाँ कहाँ पर है। संभाल के जाना जल्दी भागो भागो जल्दी जल्दी। अरे संभल के लीजिए लीजिए जल्दी जल्दी करो। सरस्वती अब मेरी बाजी है, वो बम नहीं फटेगा, उसके फटने से किसी को फायदा भी नहीं होगा क्योंकि तूने बच्चों को बचा लिया ना। यही बम कल इसी स्कूल में फिर से लाके रखूंगा, तब तू बच्चों को बचाने के लिए खुद ही जिंदा नहीं बचा होगा। सभी को मेरा नमस्कार। पुलिस विभाग के लिए मेरे मन में अत्यधिक मर्यादा है। पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकारियों को जब भी उपाधियां मिलती है तो मुझे गर्व होता है। कुछ देशद्रोही असामाजिक कार्य करते हैं किंतु मुझे वो कदाचित पसंद नहीं। न्याय धर्म स्वावलंबन ये तीनों मेरे जीवन के मूल मंत्र है, ये कहते हुए मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। Thank you.
वीरू छोड़ मुझे। कभी नहीं, देख देख देख, कल तक हम दो बदनिक जान थे, वो मेरा दोस्त था, आज वो राग बन गया। इसमें उसके हाथ कहां, पैर कहां, आग कहां? वो मेरी जान था, मेरा भूत था, मेरी रूह थी। मत मारा, कभी नहीं, जान चली जाने का डर है ना, उन्हीं जानों को बचाने के लिए हम लोग स्कूल में भाग कर आए थे, भूल गया? आज वो नहीं है, मर गया मेरा दोस्त। फौजी अदालत से बाइज्जत बेगुनाह साबित होने के बावजूद जब इन्हें वापस ज्वाइन करने को कहा गया तो फौज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस कस्बे में आके मुसीबतें झेल रहे हैं, इसकी वजह मेरे भाई से किया हुआ वादा। अब कहिए, क्या ये खुद कर्ज है? इनकी मोहब्बत किसी इबादत से कम नहीं। अरे गोबर मंसी, आज तुमने कुछ ज्यादा पी रखी है, क्या हो गया तुमको? ये वीरू और हम लोग कितने सालों से जिगरी दोस्त हैं, वो मिलिट्री में था, आज तक हमसे बताया? सही है बता, सही है बता। अरे अभी मुझे क्यों मार रहा है? वीरू से पूछा था ना। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, अकेले में पूछेंगे तो तकरार, नशे में पूछेंगे तो इतिहास, अब इतिहास में बनाऊंगा। जगह मिल गई। हम कब बैठे हैं? खाली उसमें बैठते क्यों नहीं? मैं कोई गशा का मरीज थोड़ी हूँ जो बैठूं, मैं खंबे की तरह खड़ा रहूंगा, तू चुपचाप बैठ रहा। कैसे बैठ रहे ना? चुपचाप चलना है। कहाँ जा रहे हो? जहानी खेड़ा से आ रहा हूँ। मुड़वाया कि नहीं? नहीं मुड़ाया। तो ये सीधे मंदिर, मंदिर से घर, सलाह मशवरा किसी से नहीं। टिकट 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 टिकट, भैया खड़ा है ना उससे मांग लो। कहाँ है तेरा भैया? वही जो कस्टमर खजी बनकर खड़ा है ना, वही है मेरा भैया। ओए लाल जामुन, इस कालिया का टिकट ले रहा है क्या? आएगा तो लेंगे। तू नहीं आ सकता क्या? पिछवाड़े जाना हमारे शान का खिलाफ है। ए, बस में तुम्हारा भैया राज पकड़ के नहीं खड़ा होता क्या? यही बस नहीं, हिंदुस्तान में किसी बस में वो पी के चढ़ जाता तो रोकने वाला कोई नहीं है। जानते हैं ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगातार दारू पीते हुए बैलगाड़ी में सफर कर चुके हैं हमारे भैया जी। ओ इतनी महान हस्ती है, अभी बताता हूँ। क्या गाड़ी चला रहा है? बोल के ब्रेक डालना था ना, अब नुकसान किसका हुआ? शीशा तुम्हारा ही टूटा ना। गाड़ी चला रहा है, गाड़ी। ए, किस मायके लाल ने तालियां बजाई? मैं सर्कस छोड़ी दिखा रहा था। कौन है वो? ए? कौन है? कहाँ बैठे हैं? ए, कौन है जिसने ताली बजाई? चलो राइट। ए वीरू, मुझे देखो ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी बात नहीं मानी तो मार पड़ेगी। तुम्हें मैं मिल गई, इसको ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करो। चलो कमॉन। शुक्रिया अल्लाह मियाँ, मुझको मिल गया यार।
मिया अल्लाह मिया मुझको मिल गया यारा। मिया 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 शुक्रिया अल्लाह मिया मुझको मिल गया यारा। मिया 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 शुक्रिया अल्लाह मिया मुझको मिल गया यारा। धड़कन बोले कि तेरे बिना जग में जीना है बेकार। वो साले मैं हूँ तेरे बिना भला क्या। ओ मिया हे मिया हे मिया 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 ओ मिया हे मिया हे मिया 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 शुक्रिया अल्लाह मिया मुझको मिल गया यारा। मिया 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 शुक्रिया अल्लाह मिया मुझको मिल गया यारा। आज भी आबाद है, त्योहार का महीने भी आ गया। वीरू अपने ट्यूबलाइट का धंधा पहले की तरह ही कर रहा है, उसकी बहन भी पहले की तरह कॉलेज जा रही है। बस एक आप ही है जिस पे राहु की काल दशा चल रही है। पुलिस उसका एनकाउंटर करे या फिर आप उसका इतिहास खत्म करने वाले हैं। सुन, उसका इतिहास तो संभाल, उसकी निजी जिंदगी मैं संभालता हूं। हर चिपकली का बच्चा यही सोचता है कि बड़ा होकर वो मगरमच्छ बनेगा, लेकिन बनता वही है जो उसके औकात होती है। तुझे भी याद होगा, सुनने में आया है कि कल वीरू कैलाश पुत्र मंदिर में दर्शन को आने वाला है। वो दर्शन ही उसके जीवन का अंत होगा। जल्दी आने के लिए बोला था, बंशी कितनी देर लगा रहा है। उनके आने तक हम पूजा का सामान ले लेते हैं। हाँ आइए मैम।
खोला तो घुसे हो जाऊंगा। उस्ताद पकड़ लाया। पिछले मेले में जिसने मुझे मारा था वो ये नहीं है। पिछले मेले में जो भी पिछले मेले में मारने वाले पास ही ढूंढ रहे हो बेवकूफ कहीं के। ठीक है आवाज़ क्या 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 तेरे बुलाने पर आने जाने के लिए मैं तेरा नौकर लगता हूँ। कैसी छिछोरी हरकतें करते हो। खाली हाथ वापस भेजना बहुत फील कर रहा है। अपने साथ ले जाकर गुफ्तगू कर लो। क्या गुफ्तगू। मेरे ऊपर अगर हाथ रखा तो। और चाहिए क्या। चल छोड़ यहाँ से। रास्ता छोड़ क्या भीड़। इस माला को लाने में मेरा घोटाला हो गया। चलो ऐसे क्या देखो। ये क्या रस्सी। तो फूल कहाँ। किसे पूछ रहा है। भीड़ भाड़ में फूल गिर गया और रस्सी हाथ में रह गई। इस भीड़ में दोबारा माला लेने जाऊंगा फिर गुफ्तगू होगी। ठीक है चढ़ावा का है। इसलिए अरे बेवकूफ छुट्टी इम्तिहान में पास हो गई तो चढ़ावा चढ़ाने की प्रार्थना की थी। चढ़ावा की बात कर रहा हूँ। वो चढ़ावा। वही चढ़ावा। मनमोहन नगर में आचार्य के घर जाने में देर लगेगी। आज शुभ दिन है आज ही चढ़ाऊंगा ऐसी प्रार्थना की थी। मैं खुद जाकर लेकर आता हूँ। इन लोगों का ख्याल रखना। मैं माला लेकर आता हूँ समझा। जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उससे टपका देना चाहिए था। वो तो तंदुरुस्त घूम रहा। तंदुरुस्त है एकदम तंदुरुस्त है। अच्छे पाँव है अच्छे हाथ है किंतु मैं विकलांग हूँ। इसी हाथ से खाता हूँ इसी हाथ से धोता हूँ। गंदी नाली में चलना पड़े तो भी इस हाथ को उठा नहीं पाऊंगा। देख लिया कितने वर्षों से उसे ढूंढ रहा था ताकि वो जीवित रह सके। उसका अंत कैसे करना है मैं निर्णय कर चुका हूँ। मनमोहन नगर में आचार्य के घर वो गया हुआ है। प्लीज जाओ सीधे मनमोहन नगर चलो। कम ऑन लेट्स गो। इधर क्या है सर। ये तो है ना डीएसपी तुमसे मिलना चाहते हैं। चल मैं नहीं आऊंगा। अब चल पकड़ो उसे। उस तरफ जाओ कमीनो। नहीं की होगी कि हम फिर मिलेंगे। दी हुई चीज याद नहीं रखनी चाहिए ली हुई चीज भूलनी नहीं चाहिए।
तू देने वाला था और मैं लेने वाला था। उस दिन तेरी बहन का हाथ मांगा तो तू बड़ा अकड़ रहा था। अब तो मौत की दहलीज पर खड़ा है। मैं तेरी बहन को उठाकर ले जाऊंगा, देखूंगा तू क्या उखाड़ सकता है। जल्दबाजी में गोली नहीं मारना। ओ भाई साहब, लेफ्ट हाथ किधर है? और राइट पांव? उठ। उस दिन बहुत बुरा रहा था, भोग रहा था, अब क्या करेगा, क्या करेगा? प्लीज 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 उठा के नदी में फेंक दो और रिकॉर्ड्स में रथ यात्रा में अड़चन डालने की वजह से गोली मार दी लिख दो। एक इतिहास खत्म हुआ, एक और इतिहास बाकी है। मेरे रास्ते का कांटा निकल गया, अब उसकी बहन कहाँ है ढूंढो कुत्तो। अरे वाह, बॉम्बे मिठाई। बॉम्बे मिठाई नहीं, सोन अलवा नहीं, कॉलेज में पढ़ती है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी भी समझ नहीं। अपने लिए थोड़ी ले रही हूँ, भैया को बहुत पसंद है उनके लिए ले रही हूँ। 50 ग्राम दीजिए। इतनी जल्द हमारे हाथ लगेगी कभी सोचा भी नहीं था। चल छोड़ सर। जवान लड़की को कहाँ छोड़ आया तू? मैंने कहाँ छोड़ी, वो खुद गई। जाके उसे खोज ना। कहाँ जाके ढूंढू? लक्ष्मी क्या है? चार पांच गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, तेरी मदद कीजिए। क्या कहा गुंडे? उस तरफ जाओ, आराम जा लो। मैं आती हूँ। ओ लड़की लक्ष्मी मेरे पास है। फिलहाल वही रहने दो उसे। कहाँ है वो? वहाँ पर। अरे कहाँ गई वो लड़की? कहीं तू जाओ पीछा करो।
क्या हुआ बे? का मशवरा मत दे, वो जहां भी मिले से गोली से उड़ा दे। देखते गोली मार दूंगा। हाँ मेरी बात सुनो, तुम सब लोग गांव चले जाओ। हम कैसे जाएं? तुमको ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे चले जाऊं? मैं आपके बिना नहीं जाऊं। मैं आऊंगा, सही सलामत आऊंगा। तुम सब चले जाओ। चलो 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 चलो। उसे मरे हुए आधे घंटे हो चुके होंगे, अब पिंडदान क्यों कर रहे हैं आप? 4 वर्षों से उसे खोज रहा था। उसकी आत्मा भी इस धरती पर मेरे समक्ष नहीं आनी चाहिए। हेलो, हाँ बंद करो। ए, क्यों बंद करो? आप जिसका पिंडदान करने वो जिंदा है, उसने इंस्पेक्टर और यादव को टपका दिया है। ए! हमारा यारहना ठीक नहीं है। अबे गाड़ी बढ़ा, चल। एक ज्वालामुखी फट चुका है क्या? अगर उसके हाथ लग गया तो मेरा इतिहास खत्म। क्यों गाड़ी शो कर रहा है साहब? आगे घर की यात्रा है, अब क्या करना है? इनको जाने में वक्त लगेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कहां जाऊं? ये रथ यात्रा कब खत्म होगी? Yeah.
ये क्या भेष है? इतने दिनों से तुम्हारे साथ बेकार था, अब तो बहन की वजह से मेरी पदोन्नति हो गई। पदोन्नति? फाइव स्टार होटल का दरबान लग रहा है। फाइव स्टार होटल? जा जा, सब कुछ चाय ला के पिला जा। हमेशा तू ही बाजी मारता है।